बात किया था, पिछली क्लास में इस पर चर्चा हुई थी। अब बाकी के जो 3 अध्याय हैं, बाकी के 3 चैप्टर्स हैं, समाचार संपादन, पत्रकारिता विविध आयाम, पत्रकारिता और अनुवाद, इस पे आज हम बात करने वाले हैं इन सारी चीजों पे। 44 समाचार संपादन 72 पेज नंबर से शुरू हो रहा है। अगर आप लोगों के पास में पीडीएफ है, इस सिलेबस है आपके पास, तो अपने मोबाइल में निकाल के या फिर लैपटॉप में निकाल के, या अगर आपने प्रिंट ले रखा है इसको, तो उसको निकाल कर सामने रखेंगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। लोगों की उपस्थिति जैसे ही बढ़ती है हम शुरू करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े रहेंगे और उनसे फीडबैक मिलता रहेगा, उनसे बातचीत होती रहेगी, तो फिर लेक्चर देने में भी अच्छा लगेगा। और जब तक आपके फीडबैक नहीं मिलते हैं, तब तक एक एनर्जी नहीं मिलती है हमें, एक पढ़ाने को लेकर जो जज्बा जगता है आपके फीडबैक से, आपके प्रश्नों से, आप जो क्वेश्चन करते हैं लेक्चर के लास्ट में, तो लगता है कि हाँ, हमने जो समझाया है वो चीजें कम्युनिकेट हो पाई हैं सही तरीके से, सही तरीके से आप लोगों तक पहुंच पाई है, जिससे आप लोगों ने उसको समझा है, और जिन चीजों को नहीं समझा है उस क्वेश्चन को हमारे सामने रखा है और फिर उस पर बातचीत हुई है। तो अब कुछ देर इंतजार कर लेते हैं, जैसे जैसे लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे इसको। लीजा मिश्रा जी आई हैं, अनिता सिंह जी हैं, आशीष भाई हैं, मनिका पंडा जी हैं, समारू हैं, स्वप्ना साहू जी हैं। तो आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं, आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग इस पत्रकारिता के इस लेक्चर में आए हैं हमारे साथ। और लोग अब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता को इतने इंटरेस्ट से आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये अच्छा है, एक हिंदी पत्रकारिता के भविष्य के लिए ये एक अच्छा संकेत है कि विभिन्न भाषा के लोग, चाहे वो उत्तर भारत के हों, दक्षिण भारत के हों, पूर्वोत्तर भारत के हों, या फिर पश्चिम भारत के हों, अगर विभिन्न क्षेत्र के लोग, विभिन्न भाषा के लोग हिंदी पत्रकारिता को पढ़ते हैं, तो फिर हमारी जो प्रचार प्रसार है या फिर हमारा जो कार्य क्षेत्र है हिंदी पत्रकारिता का, वो बड़ा होगा। और जितने लोग इसको पढ़ेंगे, जितने लोग हिंदी पत्रकारों के बारे में जानेंगे, जितनी रुचि से पढ़ेंगे, उतना ही पत्रकारिता का भविष्य अच्छा होगा। हिंदी पत्रकारिता का अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें हिंदी पत्रकारिता को, ज्यादा से ज्यादा लोग जो सजग हैं, हमारे छात्र जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है, वो पत्रकारिता में फील्ड में, पत्रकारिता के फील्ड में आए। आप अगर उड़िया जानते हैं, अगर आप मलयालम जानते हैं, तेलुगु तमिल जानते हैं, या फिर कोई भी ऐसी भाषा जो हिंदी से इतर है, इंग्लिश से इतर है, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है हमारे देश की, उस भाषा को जानते हुए जब आप हिंदी पत्रकारिता में आते हैं, तो फिर आप ग्रास रूट लेवल से काम करना शुरू करते हैं। जो हमारे समस्याएं, समस्याओं की जो जड़ है, हमारी जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं जिसकी जड़ है, वो सारी चीजें हमारी पत्रकारिता में फिर शामिल होती है। ये सिर्फ एक भाषा के जानने से होता है। अगर आप बहुत सारे हमारे डायलेक्ट्स को जानते हैं, बोलियों को जानते हैं, विभिन्न भाषाओं को जानते हैं, उसके बाद अगर आप पत्रकारिता करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छे पत्रकार साबित होंगे, एक ऐसे पत्रकार साबित होंगे जो क्षेत्र में जाकर काम करता है, जो जीरो लेवल से काम करता है और समस्याओं को उठाकर लोगों तक पहुंचाता है। अब चूंकि हिंदी पत्रकारिता में की पाठकों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि हमारे देश में शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको हिंदी समझ में नहीं आती होगी, हिंदी पढ़ने में नहीं आती होगी, या फिर हिंदी भाषा को नहीं जानते होंगे वो लोग। इंग्लिश को लेकर कहा जाए तो बहुत एक बड़ा वर्ग है जो अंग्रेजी भाषा नहीं जानता है, वो अंग्रेजी के अखबार नहीं पढ़ता है, लेकिन हिंदी अखबार, खासकर हमारी हिंदी पीढ़ी, हमारा जो हिंदी बेल्ट है, उसमें सब पढ़ते हैं चाहे। और भाषा का स्तर इतना हमारा शालीन होता है, इतना हल्का होता है, इतना आसान होता है, संचारी जो भाषा होती है अखबारों की, वो इतनी सरल होती है कि ये बात, हमारी बातचीत, आपकी पत्रकारिता की बातचीत, अंतिम अंतिम के लोगों तक पहुंचती है। हाशिए का जो समाज है, जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो भी, या फिर जो बहुत एलिट, जो हायर एजुकेशन लिया हुआ है, जो बहुत उच्च शिक्षा लिया हुआ है, वो भी पत्रकारिता की भाषा को आसानी से समझ जाता है। यही पत्रकारिता की खासियत है, यही खूबी है हिंदी पत्रकारिता की, या फिर किसी भी पत्रकारिता की, कि अपनी भाषा से वो मैक्सिमम लोगों को जोड़ता है, मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट करता है। अभी 13 लोग आ गए हैं तो शुरू करें, अगर आपकी इजाजत हो तो, हाँ बिल्कुल अमन, अगर या फिर और नहीं नहीं इंतजार हम नहीं कर लें। 11:07 लगभग हो ही गया है। हम लोग शुरू करते हैं क्योंकि विद्यार्थी धीरे धीरे लगातार जुड़ेंगे ही। जैसे पिछली कक्षा में भी हुई थी, विद्यार्थी लगातार धीरे धीरे जुड़े थे, जी विद्यार्थी की संख्या बढ़ी थी। तो अगर तुम कहो तो मैं कक्षा को आरंभ करूं। जी बिल्कुल बिल्कुल चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुप्रभात सभी विद्यार्थियों को।
जैसा कि आप बहुत सबको ज्ञात था पहले से, हमारी चर्चा भी हुई थी या मेल या मैसेज के द्वारा भी आपको पता होगा कि आज का हम डीएफएसटी के आपके जो 7वां पेपर है, क्योंकि लगातार अभी लास्ट सेमेस्टर ही आप लोगों को लगातार आपकी जिज्ञासा निरंतर आती रहती है ग्रुप के माध्यम से, फोन के माध्यम से आप तो मुझसे पूछते रहते हैं कि परीक्षा नजदीक है या कोरोना के ये टाइम के बाद परीक्षाएं होंगी, तो आपके जो जितने जल्दी हो सके सिलेबस, आपके अंतिम छमाही की ये पेपर है, जितने जल्दी हो सके आपके सिलेबस कंप्लीट करें, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की एक अच्छा पुनः एक बार रखी गई है। और विषय विशेषज्ञ के तौर पर पिछली पेपर जो 3 इकाइयां पहले ने पढ़ाई थी अमन सर ने, उन्हें 3 इकाइयों से आगे बढ़ते हुए आज इकाई चौथी, इकाई पांचवी और इकाई छठवीं, जो कि समाचार संपादन, पत्रकारिता, विविध आयाम, पत्रकारिता, अनुवाद है, उस पर चर्चा करने के लिए पुनः श्री अमन कुमार आकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन जी के बारे में आपको मैं बता दूं कि वर्तमान में चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय, जिसे जिंद विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, वहाँ के जनसंचार विभाग में बतौर सहायक प्राध्यापक यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। तो मैं अमन जी का अपने विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस कक्षा में, और अमन जी से अनुरोध करूंगा कि वो आज के विषय को आगे बढ़ाते हुए कक्षा का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा हमारे अभिषेक सर का, जो जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मेरे के ऊपर ये दायित्व तो दिया कि आप आकर क्लासेस लीजिए और जो हमारा चैप्टर है पत्रकारिता का उस पर बातचीत कीजिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि पहली क्लास में लोगों ने बहुत प्यार दिया इस क्लास को, बहुत सराहा और बहुत सक्रियता से आप शुरू से अंत तक इस लेक्चर में बने रहे। तो मुझे आज भी उम्मीद है कि आप सब लोग इसी सक्रियता से, इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर में भी बने रहेंगे। जो हमारा बाकी का 3 चैप्टर है उस पर हम आज बातचीत करेंगे, वो है इकाई 4, इकाई 5 और इकाई 6, जिसमें इकाई 4 है समाचार संपादन, इकाई 5 पत्रकारिता के विविध आयाम और पत्रकारिता और अनुवाद, ये हमारा आखिरी चैप्टर है। तो इस पर आज हम बातचीत करेंगे। पिछली क्लास में जो बातें हुई थी वो पत्रकारिता की परिभाषा को लेकर, क्षेत्र को लेकर, कार्य सिद्धांत को लेकर और समाचार के जो परिभाषा है, समाचार का जो तत्व है, समाचार के क्या अर्थ हैं, इस पर पिछले क्लास में हम लोगों ने बातचीत की थी। आप लोगों के कुछ सवाल भी आए थे इनबॉक्स में, उस पर भी चर्चा करने की कोशिश की गई। आज भी अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल हो पिछली क्लास से रिलेटेड या फिर आज की क्लास से रिलेटेड, तो कृपया इनबॉक्स में वो मैसेज कर दें, फिर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लास्ट में क्लास, जब क्लास का जब अंतिम समय होगा, जब लास्ट में हम लोग बातचीत करते हैं, जो बातचीत का सेशन रहता है, उस टाइम हम बातचीत करेंगे। देखिए छात्रों, अभी पढ़ाई लिखाई का जो कलेवर है, जो पूरा ढांचा है, वो सब कुछ बदल गया है। अभी वही क्लासेस चल पा रही हैं जो ऑनलाइन हैं, जो नेट से संचालित हो रही हैं, क्योंकि जिस महामारी के दौर से हम गुजर रहे हैं, ऐसे समय में हम लोग क्लास में इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, एक जगह मास गैदरिंग नहीं हो सकती है। शिक्षा के ढांचे पर, अर्थव्यवस्था के ढांचे पर, या जो विभिन्न हमारे सामाजिक ढांचे हैं उस पर इतना प्रभाव पड़ा है इसका, फिर भी हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं, हम लोग पढ़ाई लिखाई से वंचित नहीं हो पा रहे हैं और हम लोग उम्र के उस पड़ाव पे आ चुके हैं जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस अगर हम लेते हैं तो इसको गंभीरता से लें। छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी केजी के बच्चे हैं या 5th क्लास तक के बच्चे हैं, वो लोग ऑनलाइन क्लासेज, उन लोगों को थोड़ा सा भी मुश्किल होता है ऑनलाइन क्लासेज को समझ पाना या फिर ऑनलाइन क्लासेज को अच्छे तरीके से कैरी कर पाना। लेकिन हम लोग तो खैर अब ग्रेजुएशन के छात्र हैं, एमए के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग इतने सिंसियर हैं कि ऑनलाइन क्लासेज को हम सीरियसली लें। और जब हम ऑफलाइन क्लासेज लेते हैं तो उसमें बातचीत होती है, उसमें दोनों तरफ से संवाद होता है कि हम लेक्चर लेते हैं, फिर उसके बाद आपके सवाल होते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वही शैली हम इस ऑनलाइन क्लास में भी लें। बातचीत पहले होगी, पहले वो किया जाएगा, इकाइयों पर बातचीत होगी, उसके बाद फिर हम आपसे सवाल लेंगे और उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो इकाई 4 है वो है समाचार संपादन, न्यूज एडिटिंग। हमारे समाज में बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, बहुत सारी खबरें होती हैं, उन खबरों को हमें सोर्स से प्राप्त होता है। कुछ एक ऐसे हमारे सोर्स होते हैं जहां से वो खबर हमें, प्रमाणिक सोर्स होते हैं, वो स्रोत होते हैं जहां से हम खबरों को लेते हैं, और उसी सोर्स के आधार पे, उसी सोर्स को आधार बना के उन खबरों को अखबारों में प्रकाशित किया जाता है। इससे पहले उसके संपादन की प्रक्रिया होती है कि अगर समाचार बहुत लंबा है तो, चूंकि हर एक समाचार को समाचार पत्र में पूरा स्पेस नहीं मिल सकता, समाचार किस क्षेत्र का है, कितना महत्व रखता है वो पाठकों के लिए, उस हिसाब से उसको स्पेस दिया जाता है कि कितने शब्दों में जाएगा, कितनी जगह लेगा वो समाचार पत्र में। तो ऐसे में कोशिश रहती है समाचार संपादक की, या जो फिर जो संपादन की प्रक्रिया करते हैं, एडिटिंग की प्रक्रिया करते हैं, उनकी पूरी पूरी कोशिश रहती है कि समाचार को छोटा बनाया जाए, कम शब्दों में
हम अपनी बात को अच्छे तरीके से पाठकों तक पहुंचा दें। तो इसके लिए हमें संपादन की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, उसमें कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो अगर नहीं भी रहेंगे फिर भी उस समाचार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उन शब्दों को छांट कर हटा दिया जाता है, उस वाक्यों को छांट कर हटा दिया जाता है। समाचार की जो लंबाई होती है उसको कम किया जाता है, उसकी जगह को लेआउट में उसको शामिल किया जाता है कि कौन सी जगह पर हम इसको फिट करना है समाचार को। तो समाचार संपादन का जो हमारा ये चौथा इकाई है, इसके कुछ उद्देश्य हैं कि समाचार संकलन कैसे किया जाता है, हम विभिन्न सोर्स से जो हमारे स्रोत होते हैं समाचार के उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं। समाचार लेखन के बारे में जानेंगे कि कौन से ऐसे तत्व तो हैं जिनके आधार पर समाचार लेखन किया जाता है, समाचार संपादन कैसे किया जाता है, कैसे मैनेजिंग करते हैं समाचार पत्र में, कौन कौन से तत्वों को रखा जाता है, हमारा जो वो हेडलाइन होता है उसमें कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, किस तरीके से हम उसको छोटा से छोटा बनाने की कोशिश करते हैं, छोटा और प्रभावी बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद फीचर लेखन के बारे में जानेंगे कि फीचर लेखन क्या होता है। और जो आखिरी हमारा सब टॉपिक है वो है साक्षात्कार, यानी इंटरव्यू क्या है और कैसे होता है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ये समाचार संपादन का जो हमारा टॉपिक है, इसमें पिछली इकाई में हमने जाना था कि समाचार क्या है, इसके साथ ही समाचार के क्या तत्व तो हैं, समाचार की संरचना कैसी होती है, समाचार बनने योग्य तत्व तो क्या हैं, इन सारी चीजों पे हम बात की थी कि हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, उसमें से हमें समाचार का एक वो व्यू अपने अंदर पैदा करना होता है, समाचार का दृष्टिकोण पैदा करना होता है कि इतनी सारी सूचनाओं में कौन सा ऐसा समाचार है जो महत्वपूर्ण हो सकता है हमारी सोसाइटी के लिए। ये समाचार का अगर वो दृष्टिकोण आपके अंदर आ जाएगा तो आप बहुत अच्छे पत्रकार बनेंगे। और अगर आपकी भाषा पे पकड़ है, बाइलिंगुअल हैं आप या फिर मल्टीलिंगुअल हैं, तो आप बहुत अच्छा पत्रकार बन सकते हैं। अब बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, आपराधिक घटनाएं होती हैं, कभी चोरी होता है, कभी हत्या होती है, तो इन सब खबरों को बिना हम सोर्स के या बिना किसी स्रोत के आधार पर अखबार में प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी ना किसी ऑथेंटिक सोर्स से, जहां हमें सही जानकारी मिल सके, इसको हम अपने हिसाब से नहीं लिखेंगे, अपना कोई एंगल नहीं डालेंगे जब हमें कोई समाचार प्राप्त होता है, इसके लिए हम सोर्स के पास जाते हैं। जैसे हम अपने लोकल स्थानीय थाने में जाते हैं तो वहां से हमें खबर पता चलती है कि किस किस तरह के केस आए हैं थाने में, क्या क्या प्राथमिकी दर्ज हुई है, किन किन मामलों में, ये सारी चीजें हमें थाने से मिलती है, हमें खबरें मिलती है लोकल हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल हम जब जाते हैं, अपने सरकारी हॉस्पिटल है जो हमारा, वहां जाते हैं तो हमें पता चलता है कि स्वास्थ्य विभाग में किस तरह की कमी है, किस तरह की व्यवस्था में कमी है, कौन कौन से टीके उपलब्ध हैं, उपलब्ध नहीं है, इन सारी चीजों की ऑथेंटिक जानकारी हमें सोर्स से मिलती है। और तब उस सोर्स के आधार पर हम समाचार को आगे प्रेषित करते हैं प्रिंट होने के लिए। तो इस तरह की के समाचार जो हमारे सोर्स हैं उसको तीन भाग में बांटा गया है, प्रत्याशित सोर्स, पूर्व अनुमति सोर्स और अप्रत्याशित सोर्स। प्रत्याशित सोर्स जो है उसमें हमारा पुलिस विभाग आता है, प्रेस विज्ञप्तियां आती हैं, प्रेस रिलीज, हैंडआउट, प्रेस कम्युनिकेट, गैर विभागीय हैंडआउट, सरकारी विभाग, कॉरपोरेट ऑफिस, न्यायालय, साक्षात्कार, पत्रकार वार्ता, समाचार का फॉलोअप, समाचार समितियां। तो ये हमारे जो सोर्स हैं वो प्रत्याशित सोर्स हैं। प्रत्याशित की यहां से हमें आशा रहती है कि यहां से कुछ ना कुछ समाचार हमें मिलेगा ही। बस आपके अंदर ये कुशलता होनी चाहिए, आपके अंदर ये इस तरह के का कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए कि आप अपने लोकल थाने से कांटेक्ट कर सके, आपके आसपास जो सरकारी विभाग हैं, जो सरकारी कार्यालय हैं, वहां कांटेक्ट कर सके, तब वो आपको समाचार देंगे। इसके लिए आपको अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी होती है, पुलिस अधिकारियों से को अपने विश्वास में लेना होता है, जो सरकारी विभाग के ऑफिसर हैं उनको अपने विश्वास में लेना होता है, या जो फिर कॉर्पोरेट ऑफिस के एम्प्लॉय वगैरह हैं उन सबको अपने विश्वास में लेना होता है, उनको भरोसा जताना होता है कि हम इस खबर को कोई दूसरा एंगल नहीं देंगे, एज इट इज छापेंगे, या फिर जो खबर की सच्चाई है, जो खबर का तह है, वहां तक जाके इन खबरों को हम प्रकाशित करेंगे, और बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी तरीके से प्रभावित हुए इन खबरों को हम निष्पक्ष रूप में छापेंगे। इस तरह की विश्वास अगर आप बना लेते हैं, इस तरीके का अगर आप भरोसा जीत लेते हैं लोगों का, तो उसके बाद आपको समाचार मिलने में किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो प्रत्याशित सोर्स है उसमें है किस तरह के स्रोत पत्रकारों की जानकारी में पहले से होती है, सिर्फ उनसे संपर्क साधने और उनके द्वारा समाचार पाए जाने की कुशलता पत्रकार में होनी चाहिए। इसका जो प्रमुख स्रोत है वो है पुलिस विभाग। सुना
सूचना का सबसे बड़ा केंद्र जो होता है वो पुलिस विभाग होता है, क्योंकि आसपास जितनी भी घटनाएं होती हैं, हमारे समाज में जो भी घटनाएं घटती हैं, वो सारी चीजें, वो सब कुछ पुलिस विभाग में जाता है। पुलिस विभाग के पास सारी सूचनाएं मौजूद होती हैं, सारी खबरें मौजूद होती हैं। तो पत्रकार के पास वो कुशलता होनी चाहिए, पत्रकार के अंदर इस तरीके का स्किल होना चाहिए कि वो पुलिस से, पुलिस विभाग में जाकर पुलिस के अधिकारियों से अपना रिलेशन अच्छा बनाए और वहां से उनको खबरें मिलती है। दूसरा होता है प्रेस विज्ञप्तियां, सरकारी हैंडआउट निकलते हैं या फिर प्रेस कम्युनिकेशन निकलते हैं, प्रेस रिलीज निकाला जाता है। इस माध्यम से सरकार अपनी खबरों को प्रेस तक पहुंचाती है, जिसमें उनके तरफ से, संगठन के तरफ से या ब्यूरो ऑफिस की तरफ से समाचार को सरल भाषा में या स्पष्ट भाषा में लिखकर सरकारी विज्ञप्तियों के द्वारा, सरकारी विज्ञापनों के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है प्रेस कम्युनिकेशन, कम्युनिक्स, प्रेस कम्युनिक्स। शासन के महत्वपूर्ण निर्णय प्रेस कम्युनिकेशन के माध्यम से समाचार पत्रों को पहुंचाए जाते हैं। इनके संपादन की आवश्यकता नहीं होती है, वो पूरी तरीके से एडिटेड होके आते हैं, वो पूरी तरीके से सरल भाषा में या फिर सहज भाषा में जो प्रेस कम्युनिक्स होता है वो सरकारी संगठन की तरफ से पहुंचता है लोगों तक, और फिर उसको पत्रकार तक पहुंचता है, और पत्रकार पूरी सरलता के साथ पूरे शब्दों में अच्छे तरीके से सजा कर इसको प्रकाशित करते हैं या प्रसारित करते हैं। उसके बाद तो चीजें मीडिया तक पहुंचती है। इसके लिए हमें, उसके बाद प्रेस रिलीज होता है कि शासन के द्वारा अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण निर्णय प्रेस रिलीज के माध्यम से समाचार पत्र और टीवी चैनलों के कार्यालय में भेजे जाते हैं। जो खबरें ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती हैं, वो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे पाठक वर्ग के लिए कम महत्वपूर्ण होती है, वो प्रेस रिलीज के माध्यम से भेजी जाती है। उसके बाद होते हैं हैंडआउट, डेली डेली हमारे विविध विषयों पर या फिर मंत्रालय का जो क्रियाकलाप होता है, अब हमारी जो मिनिस्ट्री डेली डेली किसी तरीके का कोई काम करती है या फिर मिनिस्ट्री में किसी भी तरीके का कोई मीटिंग होता है, विविध विषयों पे बातचीत होती है, गोष्ठियां होती है, चर्चे होती हैं, इन सारी चीजों को हैंडआउट के माध्यम से लोगों तक इन क्रियाकलापों की सूचना दी जाती है। ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB है, जो एक समाचार एजेंसी है, वो प्रसारित करती है। गैर विभागीय हैंडआउट, मौखिक रूप से दी जाने वाली सूचनाओं को गैर विभागीय हैंडआउट के माध्यम से प्रसारित की जाती है। जो जिन सूचनाओं को लिखित रूप में हम नहीं दे सकते हैं, वो मौखिक रूप से जो सूचनाएं दी जानी है वो गैर विभागीय हैंडआउट के माध्यम से दिया जाता है। अब इतने सारे विभाग हैं जहां से हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। जैसे अगर कहीं चोरी की घटना होती है आपके मोहल्ले में, अगर एक उदाहरण से हम समझे, तो आपके मोहल्ले में चोरी की घटना हुई, अब ये सारी आपको, आपको सिर्फ इस बात की जानकारी है कि चोरी की घटना हुई है, उसकी प्राथमिकी दर्ज हुई है या नहीं हुई है, किसके सामान की चोरी हुई है, ये सारी चीजें आपको स्थानीय थाने से मिलती है। लोकल थाने में जाके जब प्राथमिकी दर्ज करवाते हैं जिनके घर पे चोरी हुई है या जिनके साथ मारपीट की गई है या जिनके साथ कोई भी घटना घटी है, वो अगर स्थानीय थाने में जाके प्राथमिकी दर्ज करवाते हैं, सारी जानकारी देते हैं, वहां से पत्रकार को खबर मिलती है लोकल पुलिस अधिकारी के द्वारा कि फलाने जगह पर चोरी हुई है, इतने चीजों की चोरियां हुई है, इतने सामान को लूटा गया है, गृह स्वामी के साथ मारपीट की घटना हुई है, ये सारी चीजें हमें, ये सारी सूचनाएं हमें थाने से मिलती है। उसके बाद फिर इसको हम समाचार का शक्ल देकर अखबार तक पहुंचाते हैं या फिर जो हमारा माध्यम होता है कम्युनिकेशन का माध्यम, वहां तक पहुंचाते हैं। उसके बाद कॉरपोरेट ऑफिस है, जो जो कॉरपोरेट ऑफिस है जहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो अपने समाचार को, अपनी यहाँ की जो खबरें होती हैं उसको चाहती हैं कि वो मीडिया में प्रकाशित हो या प्रसारित हो। सब चाहता है कि हमारा प्रचार हो, सब चाहते हैं कि हमारी खबरें अधिकतर पाठक तक पहुंचे। तो उसके लिए भी वो समाचार का सोर्स हो सकता है जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, बशर्ते आपके अंदर ये ऊर्जा होनी चाहिए, आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि आप वहां जाकर समाचार को लाएं, उनसे अपने रिलेशन अच्छे रखें, उनको अपना विश्वास बनाए रखें वहां तक, तब जाके वो समाचार आपको देते हैं, फिर उसको आप प्रकाशित करते हैं या फिर प्रसारित करते हैं अपने कम्युनिकेशन के माध्यम। उसके बाद होता है न्यायालय, ये सब समाचार की एजेंसियां हैं, ये सब समाचार के स्रोत हैं, सॉरी एजेंसी नहीं, ये सब समाचार के स्रोत हैं। यहाँ से हमें न्यूज प्राप्त होते हैं, इस न्यूज को हम एक शक्ल देते हैं, 5W1H का जो हमारा समाचार बनाने का जो एक पैटर्न है, उस पैटर्न में हम ढालते हैं खबरों को, उसके बाद हम इसे प्रकाशित करते हैं, उसके बाद इसे हम पाठक तक पहुंचाते हैं। जब भी आप लोकल न्यायालय में जाएंगे, लोकल जिला अदालत होता है या फिर उच्च न्यायालय होता है या जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले होते हैं, बहुत अहम फैसले होते हैं, इन सारे फैसलों की जानकारी हमें न्यायालय से मिलती है, हमें कोर्ट से मिलती है, और ये ऑथेंटिक जानकारी होती है। इसको हम अपने अनुभव के आधार पर, इस तरह की खबरों को या अपने पूर्वानुमान के आधार पर,
इन सारी चीजों को हम नहीं लिखते हैं, तो हमें ऑथेंटिक सोर्स से सारी खबरें लेनी होती हैं। ये हमारे यहाँ से हमें समाचार प्राप्त होते हैं। उसके बाद है साक्षात्कार, जब हम किसी विभाग के ऑफिसर से जाकर उनसे बातचीत करते हैं, उनसे सूचनाएं निकलवाते हैं, कुछ प्रश्नों को तैयार करके लेके वहां तक जाते हैं, तो वो साक्षात्कार होता है, इसके माध्यम से भी हमें खबरें मिलती है। उसके बाद होता है पत्रकार वार्ता, मतलब जब प्रेस को बुला के उनसे बातचीत की जाती है। गैर सरकारी संस्थान भी ये काम करते हैं, या फिर जो गैर सरकारी संस्थान है वो भी अपनी खबरों को, या फिर वो जो काम कर रहे हैं उसकी सूचना लोगों तक देने के लिए एक पत्रकार वार्ता बुलाते हैं, प्रेस की मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें पत्रकारों के सामने अपनी बात रखते हैं। विभिन्न चैनलों के पत्रकार, विभिन्न समाचार पत्रों के पत्रकार वहां पहुंचे होते हैं, वहां तक वो अपनी बातें उनको बताते हैं, किस तरीके का उनका काम है, काम करने का क्या तरीका है, किस किस मुद्दे पर वो बात कर रहे हैं, किस किस मुद्दे पर वो आजकल काम कर रहे हैं, इन सारी चीजों को वो पत्रकारों को बताते हैं, और वो पत्रकार उसको प्रकाशित करता है या प्रसारित करता है, जिससे चीजें लोगों तक पहुंच पाती है। फर्ज कीजिए कि आप किसी एनजीओ संस्था में काम कर रहे हैं, किसी गैर सरकारी संगठन में आप काम कर रहे हैं, और आप काम कर रहे हैं पर्यावरण के मुद्दे पर, पर्यावरण बचाओ के मुद्दे पर काम कर रहे हैं, और इसमें आप जो काम कर रहे हैं, जो कोई एक एम लेकर चल रहे हैं, आपको एक लक्ष्य लेकर चले हैं, उसके बारे में आपको जनता को बताना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, एक जो बड़ा मास है जो वहां तक अपनी बात पहुंचानी है, वहां तक अपने कामों को पहुंचाना है कि हम इस तरीके का काम कर रहे हैं, आप लोग हमें सहयोग दें, या फिर आप लोगों की जानकारी के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानकारी के लिए इन खबरों को आप मीडिया में देना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि जो आपके लोकल प्रेस के पत्रकार हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार हों या फिर प्रिंट मीडिया के पत्रकार हों, उनको एक मीटिंग में बुलाते हैं, उनको इन्वाइट करते हैं एक मीटिंग के लिए, और वहां पर उन सारे पत्रकारों की उपस्थिति में अपनी बातों को उन तक रखते हैं, अपने कार्यकलाप को उन तक पहुंचाते हैं। आपका एम क्या है पर्यावरण के मुद्दे पे, आप किसी किस मुद्दे को लेकर काम कर रहे हैं, इन सारी चीजों को लेकर आप उनसे बातचीत करते हैं, और जिसको वो न्यूज की शक्ल देता है, जिसको वो एक प्रोग्राम की शक्ल देता है, जिससे आपकी बात अधिक लोगों तक पहुंचती है। ये भी एक माध्यम होता है समाचार के सोर्स का, यहाँ से भी हमें खबरें प्राप्त होती है। उसके बाद है समाचारों का फॉलो अप। जैसे किसी अखबार में कोई एक महत्वपूर्ण खबर छप गई, दूसरे अखबार में नहीं छपी, तो बड़ा बवाल हो जाता है। दूसरा अखबार वाला अपने पत्रकार को कहता है कि तुम्हारे पास ये खबर कैसे नहीं आई, पहले वाले ने तो उसको छाप दिया। तो इसको लेकर ये भी होता है कि जितने भी लोकल पत्रकार हैं, जितने भी स्थानीय पत्रकार हैं, सब एक दूसरे को खबरें देते रहते हैं कि हाँ देखिए इस जगह से हमने ये खबर ली है, ये ब्रेकिंग न्यूज है, कल इसको आप अपने अखबार में भेज दें। तो सभी पत्रकारों में, चाहे वो आपके दैनिक हिंदुस्तान का पत्रकार हो, दैनिक भास्कर का पत्रकार हो, दैनिक जागरण का पत्रकार हो, प्रभात खबर का पत्रकार हो, सबकी आपस में दोस्ती रहती है, सबकी आपस में बातचीत रहती है। किसी भी एक पत्रकार को कोई खबर मिलती है, कोई ब्रेकिंग न्यूज मिलता है, तो अपने सभी साथी पत्रकारों को वो देता है, जिससे उस पर न्यूज बन सके। इस तरह की जो विश्वसनीयता होती है आपकी, इस तरीके का जो भरोसा आपने बनाया होता है अपने साथियों के बीच, उसी से हमें पत्रकार एक सोर्स के रूप में हमें न्यूज प्राप्त होता है। अब होता है समाचारों का फॉलोअप। आपने एक एक प्रिंस वाली घटना सुनी होगी, प्रिंस वाली घटना आप लोगों की जानकारी में होगी। बहुत समय पहले प्रिंस नाम का एक 5 साल का बच्चा गड्ढे में फंस गया था, और लगातार उसके बचाने के लिए रेस्क्यू टीम काम करती रही, और बहुत देर के बाद उसको उस गड्ढे में से सकुशल निकाल दिया गया। तो इस तरीके की जब कोई सनसनीखेज घटना घटती है, या कोई ऐसी घटना घटती है जिसके बारे में हम सभी कुछ उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसके सारे एंगल पे हम सूचना लेना चाहते हो, तब तो उसके लिए हमें समाचार का फॉलोअप, या जिसको समाचार का अनुवर्तन कहते हैं, यहां से हमें ये भी एक सोर्स होता है समाचार प्राप्त करने का। दर्शक चाहते हैं कि कोई जब बड़ी घटना घटती है तो उसकी जानकारी उसको सविस्तार मिलती रहे। जैसे टेलीविजन चैनल पे जाइए, अगर कोई समाचार मिल रहा है वहां पे, कोई कोई न्यूज चल रहा है, तो उस न्यूज से संबंधित और भी 3-4 कार्यक्रम बनाए जाते हैं, जिससे उस न्यूज से या फिर उस घटना से संबंधित हर एक एंगल की जानकारी लोगों तक मिल जाए, सारी सूचनाएं लोगों तक मिल जाए। मनुष्य की प्रवृत्ति है जिज्ञासु होना, मनुष्य में क्यूरियोसिटी होती है, किसी भी चीज को जानने की बड़ी इच्छा होती है, और जब तक इस इच्छा की पूर्ति नहीं हो जाए तब तक मनुष्य खोजता रहता है चीजों को, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे वो किताबों के माध्यम से हो, या फिर जो भी हमारे संचार के माध्यम है, उन सारी माध्यमों से वो चीजों को खोजने की कोशिश में लगा रहता है, सूचनाओं की प्राप्ति में लगा रहता है। अब इसके बाद है समाचार एजेंसियां। हमारे पास, या फिर हमारा जो समाचार
पत्र होता है या फिर न्यूज एजेंसी होती है, इन सब के पास इतनी पूंजी नहीं होती है कि हर एक देश में अपना एक रिपोर्टर रख सके। और जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी दुनिया है, हर एक कोने में कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं हमारे लिए, जिसका जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। वो किसी भी कोने में हो सकता है विश्व के, तो वहां की खबरें हम तक कैसे पहुंचे? अगर हम अपना संवाददाता वहां नहीं रखेंगे तो फिर ऐसा कौन सा माध्यम है जो वहां की खबरें हम तक पहुंचाएगा? वहां की खबरें हमारे जो लोकल समाचार पत्र हैं वहां तक आ पाएंगी? इसके लिए काम करती हैं न्यूज एजेंसियां, जो समाचार समितियां कहलाती हैं। बहुत सारी ऐसी न्यूज एजेंसियां हैं जो विभिन्न देशों में काम करती हैं, और इन न्यूज एजेंसियों ने अपने अपने रिपोर्टर्स को लगा रखा है विश्व के हर एक कोने में, वहां से खबरें लाती है और इन सारी खबरों को बेचा जाता है, इन सारी खबरों को हम तक पहुंचाया जाता है। जैसे भारत की न्यूज एजेंसी है पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूएनआई, उसके बाद एपी है अमेरिका की न्यूज एजेंसी, एएफपी है फ्रांस की न्यूज एजेंसी, रॉयटर है ब्रिटेन की न्यूज एजेंसी। तो ये सारी न्यूज एजेंसियां समाचार को इकट्ठा करती हैं और फिर हम तक पहुंचाती हैं। अगर आप लोग इसका फुल फॉर्म लिखना चाहें, ये एब्रिविएशन है पीटीआई, यूएनआई, एपी, एएफपी, अगर आप फुल फॉर्म लिखना चाहें तो वो नोट कर लीजिए। पीटीआई जो भारत की संस्था है और भारत की प्रेस एजेंसी है, इसका पूरा नाम है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूएनआई जो भारत की ही संस्था है जिसका नाम है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। एपी जो अमेरिका की न्यूज एजेंसी है उसका नाम है एसोसिएटेड प्रेस। और एएफपी जो फ्रांस की संस्था है, बहुत पुरानी और विश्वसनीय संस्था है। आप लोग आवास के बारे में जानते होंगे, आवास भी एक न्यूज एजेंसी है, सरकार ने शुरू किया था। उसी के पैरेलल ये एएफपी, एजेंसी फ्रांस प्रेस, एजेंसी फ्रांस प्रेस, ये जो संस्था है एएफपी की, ये भी शुरू हुई थी। ये न्यूज एजेंसी है जो अपने आसपास की खबरों को, अपने जो वहां की स्वदेशी भाषा है उसमें वो लिखती हैं और फिर उसको भारत भेजा जाता है, या फिर जिन देशों तक उनको पहुंचाना है वहां भेजा जाता है। फिर उसके बाद उनका अनुवाद होता है, और इन अनुवाद होने के बाद वो स्थानीय अखबारों में छपते हैं। तो इसके माध्यम से हमें विदेशी खबरें भी लगातार मिलती रहती हैं। उसके बाद ये हमारे जो सोर्स हो गए, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं, जैसे कहीं सभा होता है, सम्मेलन होता है, कोई सांस्कृतिक बैठक होती है, विधानसभा की कार्यवाही होती है, संसद में किसी भी तरीके की कार्यवाही होती है, नगर निगम के कुछ बैठकें होती हैं, नगर पालिका की बैठकें होती हैं, मिल कारखानों में किस तरीके से काम चल रहा है, कोई आंदोलन वगैरह तो नहीं हो रहा है, इन सारी चीजों की घटनाएं हमें इन सोर्स से मिलती रहती है। उसके बाद है पूर्व अनुमित सोर्स, जैसे ये इस तरीके के सोर्स होते हैं जहाँ पे समाचार मिलने का अनुमान तो होता है लेकिन निश्चितता नहीं होती। अगर आपके आसपास में कोई गंदी बस्ती है या फिर कोई ऐसी बस्ती है जिसको जो बहुत पिछड़ी हुई बस्ती है, कोई बस्ती है, वहां पे हमें अनुमान होता है कि यहाँ पर चीजें बुरी हैं, अभी बारिश के सीजन में वहां पे रहने में दिक्कतें आ रही हैं, किसी का घर चू रहा है, नालियां उफन रही हैं, नालियों से गंदगी लगातार बह रही है, तो वहां से स्थानीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इनका, ये सारी चीजें हमारे अनुमान तो हमारा होता है कि वहां से खबरें मिलेंगी, लेकिन इसका ये निश्चितता नहीं होती किस तरह की खबर होगी। आप जैसे किसी हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां के चिकित्सा विभाग की क्या स्थिति है, सफाई और स्वच्छता को लेकर किस तरीके का कंडीशन है, वहां लंबी लंबी लाइनें क्यों लगी रहती है, इस तरह की कुव्यवस्था क्यों है, क्या चिकित्सकों की कोई कमी है या नर्स कंपाउंडर पूरे नहीं है, बहुत तरीके के ऐसे काम कहीं हो रहे हैं। आपके आसपास कोई विश्वविद्यालय बन रहा है या फिर कोई गैर शैक्षणिक संस्था है उस पर किसी भवन का निर्माण हो रहा है, तो वहां पे जो निर्माण का कार्य हो रहा है वो सही तरीके से हो पा रहा है या नहीं, जो पैसे मिले हैं, जो फंड जारी किए गए हैं उस काम के लिए, उस फंड का सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या कि नहीं हो पा रहा है, इन सारी चीजों की खबर देने के लिए हमें ये पूर्व अनुमति सोर्स हैं, उनसे हमें संपर्क करना पड़ता है। और याद रखिए, आपके रिश्ते, आपकी विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी, आप उतने अच्छे तरीके से खबरों को फिल्टर करके, आप उतने अच्छे तरीके से खबरों के तह में जाकर खबरें निकाल कर ला पाएंगे और उसको जनता तक पहुंचा पाएंगे। उसके बाद अप्रत्याशित सोर्स होते हैं। इस श्रेणी के स्रोतों से समाचार का सुराग पाने के लिए पत्रकार का अनुभव काम आता है। सतर्क दृष्टि वाले अनुभवी पत्रकारों को, जिनके संपर्क सूत्र अच्छे होते हैं, उनको समाचार के स्रोत से प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती।
अब जैसे इसमें एक उदाहरण दिया गया है कि नगर के निर्माण विभाग ने एक बहुमंजिली विशालकाय इमारत बनाने का काम हाथ में लिया था और इस काम के 2 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है, जबकि 1.5 साल के बाद ये काम पूरा हो जाना चाहिए था। ये काम 3 महीने से बंद पड़ा हुआ है, कोई किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं जा रहा है जो स्थानीय लोग है। तो जब कोई पत्रकार वहां से गुजरता है उसकी नजर पड़ती है इस काम पर और वो देखता है कि जिस काम को 1.5 साल में पूरा हो जाना चाहिए था वो काम अभी तक 2 साल में भी पूरा नहीं हो पाया है। अभी तक सिर्फ 4 मंजिल बने हैं जबकि 6 मंजिला इमारत बनाने की बातचीत की गई है, 6 मंजिला इमारत के लिए फंड जारी हुआ है। उसके बाद ये फंड जा कहाँ रहा है, किस तरह की कुव्यवस्था आ रही है, क्या अधिकारियों से और ठेकेदार के बीच में बातचीत वो नहीं बन पा रहा है कोऑर्डिनेशन सही तरीके से, बहुत सारे ऐसे एंगल होते हैं जिससे उनको खबरें निकालनी होती है, खबर निकालनी होती है। अब जो ठेकेदार है उससे जाके पत्रकार बातचीत करता है, तो अब ठेकेदार आपको सही सही जानकारी क्यों देगा, कैसे देगा, जब तक आप उसके लिए विश्वसनीय नहीं है, जब तक आप उसको ये विश्वास नहीं दिलाएंगे कि आप एक ऑथेंटिक न्यूज लिखने जा रहे हैं, तब तक वो आपको जानकारी क्यों दे। तो इसके लिए भी हमें अपने रिलेशन अच्छे करने पड़ते हैं, अपना जो संपर्क का दायरा है वो विस्तृत करना पड़ता है। जितने ज्यादा अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई रहेगी, जितने ज्यादा अधिकारियों से आपकी आपका संपर्क रहेगा, उस हिसाब से आपको समाचार मिलेंगे, उस हिसाब से आपको विश्वसनीयता से आपको समाचार दिए जाए। तो ये सारे स्रोत हैं, ये सारे माध्यम से हैं जहां से हमें खबरों की प्राप्ति होती है। उसके बाद है समाचार लेखन, इस समाचार को लिखा कैसे जाए। अब हम विभिन्न स्रोत से हमने जानकारियों को हासिल कर लिया, अब इसको ढालना है अपने शब्दों में। जैसे अब आप लोग उड़िया के किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, किसी ग्रामीण हिस्से में जाते हैं, वहां से आपको कोई खबर मिलती है, उस खबर को आपने उठाया, उसको आपने लिखा और आप चाहते हैं कि ये खबर बड़े पैमाने पे प्रकाशित हो, एक बड़े लेवल पे पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को पढ़ें। तो इसके लिए आपको सरल भाषा का प्रयोग करना होगा, जो 5W1H का मामला है। एक समाचार है जो हमारा लिखा जाता है जिस एंगल से, जिसमें 5W1H होते हैं, 6 ककार होते हैं, जिन सारे 6 ककार की जानकारी हमें देनी होती है, उन सारे तत्वों पे ढाल के, उन सारे उस पे क्या कहते हैं, उन सारी चीजों को समेट के हम एक समाचार का निर्माण करते हैं, एक समाचार लिखते हैं, उसके बाद हम उसको प्रकाशित करते हैं। अब समाचार लेखन के सूत्र क्या है, पिछले क्लास में हमारी बातचीत हुई थी उल्टा पिरामिड का जो सिद्धांत है समाचार लिखने का, समाचार जो लिखा जाता है उल्टा पिरामिड के हिसाब से, जिसमें जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, उल्टा पिरामिड की अगर आप वो बनाए, उल्टा पिरामिड बनाए तो ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा चौड़ा होगा, फिर वहां से नीचे आते आते वो हिस्सा सिकुड़ जाता है। एक त्रिभुज को अगर आप उल्टा रख दें उस हिसाब से देखें तो जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो समाचार के आमुख में या जो इंट्रो वाला हिस्सा होता है उसमें सारी बातें कह दी जाती हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से नीचे आते आते हम समाचार में जो कम महत्वपूर्ण बातें हैं उन बातों पर चर्चा करते हैं। ये उल्टा पिरामिड सिद्धांत है समाचार लिखने का। इसमें दिया गया है समाचार लेखन के सूत्र, ये 4.1 सब टॉपिक है, विज्ञान विषय की तरह समाचार लिखने का एक सूत्र है, इसे उल्टा पिरामिड सिद्धांत कहा जाता है। ये समाचार लेखन का सबसे सरल उपयोगी और व्यावहारिक सिद्धांत है। समाचार लेखन का ये सिद्धांत कथा या कहानी लेखन की प्रक्रिया के ठीक उल्टा है। जब कोई कहानी शुरू होती है, अगर आप लोगों ने कोई कहानी पढ़ी होगी या उपन्यास पढ़ा होगा, तो उसमें चीजें कम महत्वपूर्ण चीजों से शुरू होता है और लास्ट तक जाते जाते, क्लाइमेक्स तक जाते जाते जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो कही जाती है। लेकिन समाचार में ऐसा नहीं होता। समाचार का जब हम समाचार लिखते हैं उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण बातों को सबसे शुरू में लिख देते हैं, सबसे पहले वो कर देते हैं, इंगित कर देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कम महत्वपूर्ण बातों को या जो फिर घटते हुए क्रम में सारी चीजों को लिखते हैं। अब समाचार लेखन के उल्टा पिरामिड शैली को 3 हिस्से में बांटा गया है। सबसे पहला जो हिस्सा होता है मुखड़ा, इंट्रो या लीड, उसके बाद बॉडी जिसमें हम उसको विवरण करते हैं, उसको हम जो पूरी घटनाएं हैं उसकी जानकारी देते हैं, उसके बाद निष्कर्ष या पृष्ठभूमि, लास्ट में हम निष्कर्ष के रूप में समाचार की एंडिंग करते हैं। जो मुखड़ा वाला हिस्सा होता है या फिर जो इंट्रो या लीड वाला हिस्सा होता है वो किसी भी समाचार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। उसके बाद इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, जो महत्वपूर्ण सूचनाएं घटनाएं होती हैं, उसको मुखड़ा में बता दिया जाता है सबसे ऊपर वाले हिस्से में। उसके बाद समाचार की बॉडी आती है, उसके बाद एंडिंग आती है, फिर घटते हुए क्रम में हम समाचार को लिखते हैं। अब समाचार लिखने के जो 6 सूत्र हैं, 6 ककार, 5W1H, क्या, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, कहाँ, कब, कौन, क्यों और कैसे। ये 6 तरीके की जिज्ञासा होती है हमारे अंदर। जब भी कोई घटना घटती है
या किसी भी तरीके की कोई न्यूज होती है, तो इन सारे 6 सवालों का जवाब हम जानना चाहते हैं। इसमें क्या मतलब, कौन सी घटना घटी है, कहाँ घटना का स्थल, कहाँ है, कहाँ ये घटना घटी है, कब घटना का हम समय जानना चाहते हैं, कौन 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 से लोग इस घटना में प्रभावित हुए हैं, किस लोगों के साथ ये घटना घटी है, क्यों, मतलब ये घटना का कारण क्या था, इन सारी चीजों की जानकारी भी हम लेना चाहते हैं। उसके बाद कैसे, ये सारे जो 6 कतार हैं जिसको 5W1H कहते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई एंड हाउ, ये 5W1H का जो मसला है, इस पे हम समाचार को ढालते हैं, इस पे हम समाचार लिखते हैं, इन सारी चीजों का जवाब हम अपने समाचार में देने की कोशिश करते हैं। अब जो श्रेष्ठ समाचार लेखन है उसकी क्या विशेषताएं होती है? जो श्रेष्ठ समाचार होता है सबसे पहले तो इस 5W1H का जो आंसर होता है उसको देने की कोशिश करता है, पाठकों की जिज्ञासाओं को पूरी करने की कोशिश करता है। जैसे आपके आपके आसपास अम्फान नाम का भी एक तूफान आया था, जो उड़ीसा से शुरू हुआ था, पश्चिम बंगाल के बहुत सारे हिस्से को इसने प्रभावित किया, उड़ीसा के बड़े हिस्से को, जो कोस्टल इलाके हैं उसको प्रभावित किया। अभी महाराष्ट्र में मुंबई में निसर्ग नाम का एक तूफान आया था, जिसका सेंटर मुंबई के सागर से शुरू हुई थी ये तूफान। उसके बाद हमने इस घटना के बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि घटना क्या घटी, आखिर अम्फान क्या है, आखिर निसर्ग क्या है, ये कहाँ से शुरू हो रही है, ये घटना कब होगी, कौन कौन से लोग इसके बाद इससे प्रभावित हुए हैं। इन सारी चीजों की जब हम जानकारी लेते हैं और ये सारी चीजें एक समाचार आपको पहुंचाता है, अगर एक न्यूज़पेपर या कोई एक खबर आप तक पहुंचा देता है, तो वो श्रेष्ठ समाचार होता है, क्योंकि आपकी सारी जिज्ञासाओं की वो पूर्ति कर देता है। तो सबसे पहली जो विशेषता होती है किसी समाचार की, वो होती है कि आपके अंदर की जो जिज्ञासा है, आपके अंदर की जो क्यूरियोसिटी है किसी चीज को जानने की, उन सारी क्यूरियोसिटी को वो शांत करता है। ये सबसे पहली विशेषता होती है किसी समाचार की। अगर आप भी कल को अगर पत्रकार बनेंगे, किसी भी मीडिया फील्ड में जाके काम करेंगे, आप विज्ञापन में काम करेंगे या फिर प्रिंट मीडिया में काम करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करेंगे, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है, आपका भी ये दायित्व तो बनता है कि आप समाचार के इस जो 6 प्रश्न होते हैं, ये जो 6 जिज्ञासाएं होती हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करें। अगर आप इन सारी चीजों को अपने न्यूज में शामिल करते हैं, इन सारी दृष्टिकोण को अपने खबरों में शामिल करते हैं, तो आपका समाचार निश्चित तौर पर एक बेहतर समाचार बन के आएगा, बेहतर न्यूज बन के आएगा और अधिक लोग उसको पसंद करेंगे। उसके बाद होती है समाचार के तत्व में नवीनता हो, कोई घिसा पिटा नहीं हो, प्रासंगिक खबर हो, जो समसामयिक हो। अभी आज के समय में, आज का जो समय है, इसमें आपके पास एक चुटकी भर में खबरें पहुंच जा रही हैं, आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट है, दुनिया के किसी भी कोने में कोई घटना घटती है तो वो फेसबुक के माध्यम से, वो ब्लॉग के माध्यम से, वो अन्य जो माध्यम है उनके माध्यम से आप तक तुरंत पहुंच जाती है, एकदम एक सेकंड भर का समय नहीं लगता, वो आप तक पहुंच जाती है। ऐसे में अगर आपको समाचार पत्र में समाचार लिखना है तो प्रासंगिक लिखना होगा, सारे एंगल को देखते हुए, समाचार के सामान्य से जो हटकर हो, जो कुछ अलग तरीके से हो, इस तरह का समाचार अगर आप लिखते हैं, इस तरह की अगर आपकी भाषा होती है, इस तरह की प्रस्तुति होती है, तो लोग आपके समाचार को पढ़ेंगे, आपको पसंद करेंगे। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होता है किसी भी समाचार की, वो होती है समाचार की भाषा, वो होता है समाचार का वाक्य विन्यास, वो होता है समाचार का प्रस्तुतिकरण। अब जो एक अखबार है वो एलिट क्लास के लोग भी पढ़ते हैं, हायर एजुकेटिव जो लोग हैं वो भी पढ़ते हैं, और एक आम जनता भी पढ़ती है। तो आपके समाचार की भाषा ऐसी होनी चाहिए, आपके समाचार के शब्द ऐसे होने चाहिए, वाक्य ऐसे होने चाहिए, जो सबसे, अगर एक 5वीं क्लास पढ़ा रिक्शा चालक पढ़ता है या फिर कोई रेहड़ी लगाने वाला पढ़ता है, उसको भी वो सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। इस तरह का समाचार अगर आप लिखते हैं, इस तरह की भाषा अगर आप अपने समाचार में डालते हैं, तो आपके समाचार को बहुत पसंद किया जाएगा। अगर ये ऑफलाइन क्लास होती तो निश्चित तौर पर, मैं पिछली ही क्लास में आप लोगों को ये होमवर्क दिया होता है कि आप अपने आसपास के क्षेत्र के आसपास के किसी समाचार को लिख कर लाइए, फिर वहां से चीजें बनती कि किस तरीके से, किस भाषा में आपने लिखा है, आपकी शैली क्या है। अब ऑनलाइन क्लासेस है, इसके थोड़े से लिमिटेशन है, हमें अब एक तरफा संवाद करना होता है, पार्टिसिपेट होके हम लोग वो लेक्चर नहीं दे ले पाते हैं कि आपका भी हम काम देखें, अपनी बातचीत भी रखें, इस तरीके से हम चीजें नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ी सी मुश्किलें तो हैं, लेकिन अब क्या करें, हमें करना पड़ेगा। अब आप जब समाचार लिखेंगे, किसी भी भाषा में अगर आप लिखें समाचार,
तो सामने वाला जो पाठक है वो डिक्शनरी लेके तो नहीं बैठता है, वो व्याकरण की किताब लेके तो नहीं बैठता है। तो बहुत ज्यादा क्लिष्ट भाषा या फिर जो बहुत ज्यादा कठिन भाषा है उसका प्रयोग नहीं करें अपने समाचार में। एकदम सरल भाषा, जिस तरीके से आप बातचीत करते हैं, जिस शैली में आप संवाद करते हैं, उस शैली में समाचार को लिखिए, फिर बहुत लोग उसको पसंद करेंगे। अब जैसा जैसा कि इसमें दिया गया है कि कोई भी पाठक या दर्शक या श्रोता शब्दकोश लेकर समाचार पत्र नहीं पढ़ता है या फिर नहीं देखता है या सुनता है। समाचार सरल भाषा, छोटे वाक्य और संक्षिप्त पैराग्राफ में लिखना चाहिए। आप जो लाइन लिखेंगे वो कोशिश करेंगे कि कम शब्दों में हो, छोटा लाइन हो, बहुत लंबा लाइन नहीं हो। जितने आप संक्षिप्त तरीके से, जितने संक्षिप्त पैराग्राफ लिखेंगे उतना पसंद किया जाएगा। अगर आप इस चैप्टर को देख रहे हैं, अगर आपके सामने ये किताब पीडीएफ में खुला हुआ है, तो आप इसमें देखेंगे इसके अंतिम में कि समाचार की एक वो दी गई है कि किस तरीके से समाचार लिखा जाए। और जो चौथी विशेषता है, जिसके बारे में पिछले क्लास में भी बातचीत हुई है, कि समाचार लिखे जाने का उल्टा पिरामिड का जो सिद्धांत है, जिसमें हम पहले मुखड़ा लिखते हैं, जिसमें उसके बाद हम बॉडी बनाते हैं, उसके बाद फिर निष्कर्ष निकालते हैं, इस आधार पर समाचार को लिखा जाए, ये सबसे चौथी विशेषता होती है समाचार लेखन की। अब आपने समाचार लिखा, आप स्थानीय पत्रकार हैं, आपने समाचार दो पन्ने का लिखा और इसको भेजा अपने संपादक के पास, जो कि जिला मुख्यालय में है या किसी भी अपने मुख्यालय में। उस समाचार को वो अपने हिसाब से संपादित करेगा, क्योंकि हमारे समाचार में पत्र में इतनी जगह तो नहीं होती है कि सभी समाचार को समान रूप से जगह दिया जाए। कुछ समाचार कम महत्वपूर्ण होते हैं तो उसको छोटा स्पेस मिलता है, कुछ ज्यादा महत्व के समाचार होते हैं उसको बड़ा स्पेस दिया जाता है। तो ये समाचार संपादक का काम होता है कि वो समाचार को परखे, वो समाचार को देखे कि ये समाचार किस महत्व का है, इसका जो पाठक वर्ग है वो कितना बड़ा है, कितने बड़े समुदाय को ये प्रभावित कर सकता है। उसके हिसाब से समाचार का संपादक उस खबर का संपादन करता है, उससे अनावश्यक जो शब्द है उसको निकालता है, अनावश्यक जो वाक्य हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मायने नहीं रखते हैं उस समाचार के लिए, उसको निकालता है। उसके बाद उसको एक समाचार की शक्ल देता है, उसको छोटा से छोटा बनाता है और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। ये संपादन की प्रक्रिया होती है। अब जो समाचार का संपादन है, उसमें उस प्रक्रिया में सबसे पहला जो काम होता है वो होता है समाचार का शीर्षक लेखन। हम जब शीर्षक बनाते हैं, जो हेडिंग बनाते हैं, उस हेडिंग में हमारे पास बहुत कम शब्द होते हैं, बहुत कम शब्दों में हमें पूरी बात कहनी होती है। हेडिंग लिखना किसी समाचार की, ये एक बहुत बड़ी कला होती है। अगर आप कहानीकार हैं, अगर आप कहानियां लिखते हैं, तो कहानी लिखना जितनी बड़ी कला है, उतनी ही बड़ी कला है उस कहानी का शीर्षक लिखना। कहानी एक श्रोता को एक उदाहरण देके मैं समझाता हूँ कि एक स्पीकर थे, उनको कहा गया कि आपको एक सभा में चलना है और वहां चलकर 3 घंटे लोगों को संबोधित करना है। तो स्पीकर महोदय तैयार हो गए, चलिए मैं अभी चलता हूँ। और फिर उनको उसी उन्हीं स्पीकर साहब को कहा गया कि एक सभा में आपको चलना है और आपको श्रोताओं को 10 मिनट तक संबोधित करना है। तो उन्होंने इसके लिए 2 दिन का समय मांगा। तो जिसने उनको इनवाइट किया था बोलने के लिए, उन्होंने उनसे पूछा कि भैया, मैंने जब आपसे कहा था कि आपको 3 घंटे तक संबोधित करना है, तो आप तुरंत तैयार हो गए, और जब मैंने आपको कहा कि 10 मिनट तक संबोधित करना है, तो आपने 2 दिन का समय मांगा या फिर 1 दिन का समय मांगा, ऐसा क्यों? तो उसका जवाब था उनका कि 3 घंटे जब बोलना है तो उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, 3 घंटे कड़ी से कड़ी मिलती जाती है, बात बनती जाती है और इस तरीके से हम 3 घंटे बोल लेते हैं। लेकिन जब 10 मिनट हम बोलना होता है, तो वहां हमें सार गर्भित बातें करनी होती है, वहां हमें निचोड़ बोलना होता है, या फिर ऐसी बातें 10 मिनट में बोलनी होती हैं जिससे हम उस 10 मिनट में अपनी सारी बातें लोगों तक पहुंचा दें, अपना हम जो अधिक से अधिक कहना चाह रहे हैं, जो मर्म है, उन बातों को हमें हमें लोगों तक पहुंचानी है। तो इसके लिए हमें 1 दिन का समय चाहिए, मैं पूरी तरीके से तैयार होऊंगा, उस 10 मिनट की स्पीच तैयार करूंगा, तब जाके लोगों से बातचीत। यही होता है, जब आप समाचार लिखते हैं तो आप पूरा समाचार तो लिख देते हैं एक पन्ने का, लेकिन जब शीर्षक लिखना होता है, जो कि कम शब्दों में लिखना होता है, उसमें आदमी चूक जाता है, उसमें कम शब्दों में अपनी बात पूरे न्यूज को समेटना होता है। तो शीर्षक लेखन भी एक कला होती है, शीर्षक लेखन एक आर्ट होता है, जो बड़े बड़े पत्रकारों के अंदर भी नहीं होता, बड़े बड़े लेखकों के अंदर भी नहीं होता है। अब देखिए इसके बारे में इसमें क्या बताया गया है,
ये जो सब टॉपिक है 5.1 चैप्टर 80, 80 नंबर प्रश्न में अगर आप लोग देखें 5.1 जो टॉपिक है उसमें है कि समाचार को आकर्षक बनाने में शीर्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। समाचारों के लिए शीर्षक लिखना भी एक कला है, साथ ही महत्वपूर्ण भी। समाचारों को उचित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए उचित शीर्षक अत्यंत जरूरी है। जो आप हेडलाइन बनाते हैं वो हेडलाइन आपके खबर को लोग पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे इन चीजों को तय करता है। तो आपकी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि उस हेडलाइन को ही इतना सटीक बना दें, इतना सार गर्भित बना दें, इतना मजेदार बना दें कि लोग उस समाचार को पढ़ने के लिए लालायित हो जाएं, लोगों के अंदर ये इच्छा जग जाए कि जब समाचार का हेडिंग इतना सही है तो फिर इसका समाचार कितना रोचक होगा, कितना महत्वपूर्ण होगा। इस कला को आपको अपने अंदर विकसित करना होगा। ये धीरे धीरे आएंगी, जैसे जैसे आप पत्रकारिता करेंगे, जैसे जैसे आप फील्ड में जाएंगे, जैसे जैसे आपके भाषा का ज्ञान बढ़ेगा, तब आपके अंदर ये चीज आएगी। अभी तक किसी का कोई मैसेज नहीं आया है। अगर आप लोगों के सवाल आते रहते हैं, आप लोगों से बातचीत होती रहती है, तो फिर बात करने में अच्छा लगता है। चीजें समझ में आ रही है ना आप लोगों को? जो हमारे स्टूडेंट हैं आज 17 लोगों की उपस्थिति है। अगर आप लोग अपना फीडबैक देते रहे हमारा इनबॉक्स में, जो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं उसके बारे में भी अगर आप बताएं, या फिर कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है उसके बारे में भी अगर आप लोग बताते रहेंगे, तो फिर लेक्चर लेने में अच्छा लगेगा, बातचीत करने में अच्छा लगेगा। तो समाचार के शीर्षक कैसे होने चाहिए, इस पे 7 पॉइंट्स दिए गए हैं। पेज नंबर 81 में अगर आप देखें तो उसमें बताया गया है कि शीर्षक संक्षिप्त और सारगर्भित हो, मतलब छोटा हो, और पूरे न्यूज का, पूरी खबर का सार उसमें छुपा होना चाहिए। शीर्षक स्पष्ट, अर्थपूर्ण और जीवंत होने चाहिए। भाषा विषय अनुकूल होने चाहिए। शीर्षक इस तरह के होने चाहिए कि वो सीमित स्थान पे पूरी तरह फिट बैठे। शीर्षक विशिष्ट ढंग का या विशिष्ट डायरेक्शन का होना चाहिए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप शीर्षक में करें जो प्रचलित हैं। आशीष जी का मैसेज आया है, जी सर समझ में आ रही है। निराहार पुष्टि जी का मैसेज आया है, जी सर चीजें समझ में आ रही हैं। पृथ्वीराज सर का मैसेज आया है, क्लियर एंड ऑडिबल सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो चीजें समझ में आ रही हैं उसके बारे में भी बताएं, जो चीजें नहीं समझ में भी आ रही हैं उनके बारे में भी बताएं। अगर आपको लगता है कि मेरे बोलते समय स्पीड ज्यादा है तो उसके लिए भी मुझे टोके। इन सारी चीजों से एक बेहतर संवाद होगा आप लोगों के बीच, एक अच्छी बातचीत होगी और फिर मुझे भी अच्छा लगेगा। अब कुछ शीर्षकों के इसमें वो दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए शीर्षक में है था थी इत्यादि शब्दों के इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इन शब्दों का इस्तेमाल अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी शीर्षक आकर्षक बनेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पसंद करेंगे। जैसे एक शीर्षक का इसमें उदाहरण दिया गया है, दिमाग से हटनी चाहिए लाल बत्ती। अब जैसे ही अगर आप इस शीर्षक को पढ़ेंगे, इस समाचार को पढ़ेंगे, तो आपके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी, एक क्यूरियोसिटी आएगी कि दिमाग से भी हटनी चाहिए लाल बत्ती, इस खबर क्या हो सकती है ये खबर। फिर इसके लिए आप खबर को पढ़ने पे मजबूर होंगे। उसके बाद दूसरा जो उदाहरण है वो है कि गुजरात को भी काबू करने के लिए उतरेगी दिल्ली। अब जैसे ही आप ये हेडलाइन पढ़ते हैं कि गुजरात को भी काबू करने उतरेगी दिल्ली, तो आपके अंदर जिज्ञासा बनती है कि गुजरात को काबू करने उतरेगी दिल्ली, क्या मतलब हो सकता है इस बात का। तो इसके लिए आप पूरे समाचार को पढ़ेंगे। ये होती है हेडलाइन का जादू, ये होता है शीर्षक का जादू। शेयर बाजार धड़ाम, अब इसमें हम उसमें इस तरीके का शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, शेयर बाजार धड़ाम हुआ या शेयर बाजार धड़ाम था, ये था थे थी शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दाल में नरमी, चीनी में गर्मी। अब ये देखिए कितना सटीक बिजनेस शीर्षक है, दाल में नरमी, चीनी में गर्मी। जब महंगाई बढ़ती है या घटती है तो इस तरीके का शीर्षक आपको खबर को पढ़ने के लिए मजबूर करता है। या फिर अगर आप न्यूज चैनल देखते होंगे तो आप न्यूज चैनल के जो शीर्षक होते हैं उसको देखें, कितने वो होते हैं, कितने कैची होते हैं। तो जैसे ही आप देखते हैं तो आपका मन करता है कि इस पूरे खबर को देखा जाए। अब हमारे आशीष जी का मैसेज आया है कि क्लास के अंत में उल्टा पिरामिड के बारे में फिर से बताने की कृपा करें। जी आशीष, इसके बारे में बातचीत होगी क्लास के लास्ट में। या फिर अभी देख लीजिए, ये जो 5.2 का जो वो है, जो सब चैप्टर है, यहीं से हमें उल्टा पिरामिड सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलती है।
उल्टा पिरामिड सिद्धांत को मैं अभी अब कागज पे आपको लिख के बताता हूँ, लिख के समझाता हूँ कि कैसे इस खबर जो लिखी जाती है वो कैसे लिखी जाती है उल्टा पिरामिड के सिद्धांत में। उसके बाद है कि आमुख या लीड, समाचार का जो पहला आकर्षण होता है वो शीर्षक होता है निश्चित तौर पे। उसके बाद होता है लीड, जो हम पहला पैराग्राफ लिखते हैं वो दो तीन अनुच्छेदों को मिलाकर, या फिर दो तीन लाइन का होता है, तीन चार लाइन का होता है। तीन चार लाइन में हमारे जो 5W1H वाला है, जो छह ककार है, उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं, उसको हम आमुख लीड या इंट्रो कहते हैं। उसके बाद मैं उल्टा पिरामिड आप लोगों को बताता हूँ, अभी कॉपी पे लिख के बताऊंगा तो फिर वो चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। जब पिक्चर के माध्यम से हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो चीजें हमें अच्छे तरीके से समझ में आती है। सबसे पहले आप लोगों ने पिरामिड को देखा होगा, मिस्र के जो पिरामिड हैं उसकी आकृति आप लोगों ने देखी होगी कि वो कैसी आकृति होती है। उसी आकृति को हम उल्टा पिरामिड के सिद्धांत में देखेंगे कि वो कैसा होता है। उल्टा पिरामिड का जो सिद्धांत है समाचार लिखने का, इसको हम अभी बात कर लेते हैं क्योंकि हमारे उसमें आ गया है, ये हमारे चैप्टर में भी आ गया है, तो क्लास के अंत में बात करने से अच्छा है कि हम अभी बात कर लें। उल्टा पिरामिड का सिद्धांत, आमुख, बॉडी और निष्कर्ष, ये देखिए। आशीष अगर आप हैं क्लास में उपस्थित हैं तो उल्टा पिरामिड का जो सिद्धांत है मैं उसको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, उल्टा पिरामिड इस तरीके से बनाया जाता है। सीधा पिरामिड ये है, सीधा पिरामिड की आकृति इस तरह की होती है। अगर आपने मिस्र के पिरामिड देखे होंगे तो देखिए इस तरह की आकृति होती है मिस्र के पिरामिड की। और जो उल्टा पिरामिड है वो ऐसा होता है जिसमें ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसमें हमने आमुख लिखा है, नीचे बीच वाला हिस्सा है जो बॉडी है, और सबसे नीचे वाला हिस्सा है वो है निष्कर्ष। ये जो सबसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं ये हम ऊपर के आमुख में लिखते हैं। उसके बाद जो समाचार का विवरण देना होता है वो हम बॉडी में लिखते हैं, और जो कम महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो हम निष्कर्ष में लिखते हैं। तो उल्टा पिरामिड में समाचार का जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, नीचे जाते जाते समाचार इस तरीके से सिकुड़ जाता है। देखिए ये उल्टा पिरामिड, इसी तरीके से उल्टा पिरामिड में लिखा जाता है समाचार को। आशीष मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी उल्टा पिरामिड का क्या सिद्धांत है। सीधा पिरामिड की जो आकृति होती है वो त्रिभुजाकार होती है, ऊपर वाला हिस्सा सिकुड़ा हुआ था हो और नीचे वाला हिस्सा ज्यादा फैला होता है, लेकिन उल्टा पिरामिड में ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा फैला हुआ होता है और नीचे वाला हिस्सा सिकुड़ा हुआ होता है। तो जब हम कोई समाचार लिखते हैं, किसी भी मुद्दे पर जब हम कोई समाचार बनाते हैं, तो जो सबसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो ऊपर वाले हिस्से में बता देते हैं, फिर उसका थोड़ा सा विवरण हम बीच वाले हिस्से में देते हैं जिसको हम बॉडी कहते हैं, और सबसे जो कम महत्वपूर्ण की बातें होती हैं उसको हम नीचे निष्कर्ष में। अब इसमें आमुख, इंट्रो या लीड के बारे में बताया गया है, फिर उसमें किस तरीके का तत्व आना चाहिए, लीड में किस तरीके की बातें होनी चाहिए, जब हम बॉडी लिखते हैं किसी समाचार की उसमें किस तरीके की बातें होती हैं। आशीष जी का मैसेज आया है कि जी सर, बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई। अगर नहीं भी समझ में आई हो, जिस मुद्दे को आप समझ नहीं पा रहे हो वो हमें बताइएगा, बार बार चर्चा करने में हमें अच्छा लगेगा, मेरी भी प्रैक्टिस बनती रहेगी, मैं भी चीज़ों को रिकॉल कर पाऊंगा और चीज़ें मेरे भी जहन में रहेंगी। आप लोगों के पढ़ाने से सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि फिर मेरा भी रिवाइज हो जाता है। तो जब हम समाचार लिखेंगे, आप लोग पत्रकार बनने जा रहे हैं, भविष्य के पत्रकार हैं, इस बात को आप अभी से समझ लें कि आप लोग भविष्य के पत्रकार हैं। आप लोग पत्रकारिता के कोर्स में आए हैं, मतलब कि आप पत्रकार बनने वाले हैं। जिसने तय कर लिया कि मुझे पत्रकारिता का कोर्स करना है वो एक तरीके से पत्रकार बन गया। बहुत सारे कोर्स के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सरकारी अधिकारी बन गए, या फिर अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप इंजीनियर बन गए। लेकिन पत्रकारिता के साथ ऐसा नहीं होता। अगर आपने जिस दिन सोच लिया कि मुझे पत्रकारिता करनी है, मुझे पत्रकारिता की पढ़ाई करनी है, तो निश्चित तौर पर आपके अंदर पत्रकारिता का एक जुनून है, एक जज्बा है, तभी आपने सोचा है पत्रकारिता की पढ़ाई करने को। और इस जज्बे को अपने अंदर बनाए रखिएगा, तब आप एक बेहतर पत्रकार बन पाएंगे, बेहतर समाचार लिख पाएंगे और अधिक से अधिक लोग आपको पसंद करेंगे। आज जितने भी पत्रकार हैं जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, वो अपनी भाषा को लेकर, अपनी प्रस्तुति को लेकर उन्होंने काम किया है अपने, तब जाके आज इतनी बड़ी जनता उनको पसंद कर रही है। अब देखिए समाचार का जो बॉडी है, बॉडी वाला पार्ट है, वो कैसे लिखा जाता है। जो
उल्टा पिरामिड का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसको कैसे लिखा जाता है, उसके क्या क्या तत्व होते हैं, क्या क्या मापदंड होते हैं जिस हिसाब से वो लिखा जाता है, उसको समाचार के अनुकूल होना चाहिए। समाचार अगर गंभीर या फिर किसी ट्रेजिक घटना पे है तो उसमें इस तरह की भाषा का हम प्रयोग नहीं करें जिससे एक हास्य वाली भाषा नहीं जाए लोगों तक, या कोई हल्की भाषा नहीं हो। अगर कहीं गैस लीक वाली घटना होती है, अगर कहीं बाढ़ वाली घटना आती है, अगर कहीं तूफान आता है, तो समाचार लिखते समय हमें उसमें इसमें छिछोरापन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मतलब तो भाषा हल्की आपकी नहीं होनी चाहिए, आपको गंभीरता से लिखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर खबर होती है, इससे बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित होता है हमारे समाज का। अगर अम्फान नाम का तूफान उड़ीसा को या फिर पश्चिम बंगाल को प्रभावित करता है, तो सोचिए कि कितने परिवार उसके चपेट में आए होंगे, कितने लोगों का बिजनेस ठप पड़ा होगा, कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी होगी। तो इसके लिए अगर आप समाचार लिखते हैं तो इसकी गंभीरता को बनाए रखिए, इसमें हास्य का रस नहीं होना चाहिए, हंसी मजाक वाली बातें नहीं होनी चाहिए। अब जो खबरें गंभीर नहीं है, जो हास्यास्पद समाचार है, तो उसमें हास्य का पुट देकर लिखा जाए, ये आपके अंदर आपको अपनी कला विकसित करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि वो समाचार कितना महत्वपूर्ण है सोसाइटी के लिए और किस एंगल का है। पृथ्वीराज मिश्रा जी का मैसेज आया है कि व्हाई बैड न्यूज आर गिवन इन द फर्स्ट पेज इंस्टीड ऑफ गुड वन। ये आपने बड़ा वाजिब सवाल पूछा है पृथ्वी भाई, कि समाचार पत्र का जो पहला पेज होता है उस पे सिर्फ बैड न्यूज ही क्यों, मतलब नेगेटिव न्यूज ही क्यों होते हैं, पॉजिटिव क्यों नहीं होते हैं। तो एक हमारी जो जिज्ञासा है, मनुष्य की जो क्यूरियोसिटी होती है, वो नकारात्मक खबरों को जानने की बड़ी ज्यादा होती है। जैसे अगर किसी घटना में, अगर कहीं आपको मना कर दिया जाए बचपन में कि किसी कुएं में नहीं झांकना है, अगर आपके पेरेंट्स आपको मना कर देते हैं कि उस जगह पे वो कुआं है, उसमें आपको जाके नहीं देखना है, तो आपके अंदर एक जिज्ञासा होती है कि आखिर क्या है इस कुएं में कि मुझे मना कर दिया गया है। तो आप कोशिश करेंगे निश्चित तौर पर एक बार कि स्कूल में जाकर झांक कर देखें। तो मनुष्य के अंदर एक जिज्ञासा, एक जो मनुष्य के अंदर की जो प्रवृत्ति है, उसको पसंद आती है इस तरह की चीजें, मारकाट वाली जो खबरें होती हैं, या फिर जो भ्रष्टाचार वाली खबरें होती हैं, या फिर जो कहीं कोई कहीं किसी जगह कोई हत्या हो जाए, इस तरह की जो खबरें होती हैं, इसको जानने की इच्छा होती है मनुष्य। और खबर तो वही बनती है ना जो नकारात्मक हो, जो हमारी सोसाइटी में अच्छा अच्छा चल रहा है, जो चीजें सकारात्मक हो रही हैं, वो उससे बहुत बड़ा वर्ग। ये तो चीजें एक्सेप्टेबल हैं, ये सब चीजें तो होती ही रहनी चाहिए, ये सारी चीजें हमारी जीवन का हिस्सा है, तो उसको हम समाचार को कम महत्व उसमें रखते हैं और उसको बाद के पन्ने में देते हैं। लेकिन जब इस तरह की नकारात्मक खबरें घटती हैं जिससे एक बड़ा वर्ग बुरी तरीके से प्रभावित होता है, जिससे फर्क पड़ता है सोसाइटी पर, इस तरह की खबरों को पहले पेज में जगह दिया जाता है कि अगर कहीं हत्या होती है, कहीं पे मास किलिंग होती है, कहीं किसी तरीके की दुर्घटना हो जाती है, तो इससे एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित होता है पृथ्वीराज जी, जिससे इस तरह की खबरों को पहले पेज पे स्थान दिया जाता है। दैनिक भास्कर ने एक कैंपेन चलाया था कि वो एक दिन सप्ताह में एक दिन अपने अखबार में सकारात्मक खबरें छापती थी, नकारात्मक खबरों को उस दिन जगह नहीं दिया जाता था, सिर्फ वही निगेटिव न्यूज दिया जाता था जो जानना बेहद जरूरी होता था। तो इस तरह की प्रवृत्ति अब बदल रही है धीरे धीरे पत्रकारिता में। अगर आप लोग जाएं, आप लोग पत्रकार बने, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा करेंगे, आप लोग सकारात्मक पत्रकारिता करेंगे और नकारात्मक पत्रकारिता को थोड़ा सा कम तवज्जो देंगे। उसके बाद इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, अगर आपके पास पेज है तो देखिए कि अमेरिकन किस किस तरीके से न्यूज लिखा गया है, इस तरीके से आमुख लिखा गया है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी द्वारा विकसित हैकिंग टूल का इस्तेमाल वैश्विक साइबर हमलों के लिए करते हुए करीब 100 देशों के लाखों कंप्यूटरों की जानकारियां हैक कर ली गई हैं। बहुत सारी ऐसे जो 5W1H के जो वो हैं प्रश्न हैं, उन सारी खबरों को इसमें बता दिया गया है। उसके बाद हम विवरण लिखते हैं। आपने अपने इंट्रो के माध्यम से, आपने अपने आमुख के माध्यम से पाठकों में जिज्ञासा जगा दी है। पाठक अब ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करना चाह रहे हैं उस समाचार के बारे में जिसको आप कम महत्व देते हुए बॉडी में लिखते हैं। उसके बाद फिर निष्कर्ष के साथ इस समाचार की समाप्ति होती है। इस तरीके से समाचार अखबार के लिए लिखा जाता है। उसके बाद आता है फीचर लेखन, फीचर कैसे लिखा जाए। आप लोग फीचर लिखते होंगे या फीचर पढ़ते होंगे। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। आप फेसबुक पर, अगर सोशल मीडिया चला रहे हैं, तो फेसबुक पर
सुशोभित सत्तावत को सर्च करें, वो आहा जिंदगी के, आहा जिंदगी एक मैगजीन है दैनिक भास्कर डीवी कॉर्प द्वारा निकलती है आहा जिंदगी, जिसके सहायक संपादक हैं सुशोभित सत्तावत। वो फेसबुक पर बड़ा अच्छा फीचर लिखते हैं। अब फीचर लिखना क्या होता है? फीचर शब्द फैक्ट से बना है, फैक्चुरा से। जब हम किसी ऐसे लेख को लिखते हैं जो फैक्ट पर आधारित हो और जिसको हम मनोरंजक तरीके से लिखते हैं, तो वो फीचर कहलाता है। जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो आर्टिकल में सारी चीजें सूचना के रूप में लिखी जाती हैं, लेकिन जब फीचर लिखते हैं तो फीचर को मनोरंजक तरीके से लिखा जाता है, जिसमें हास्य भी हो, जिसमें गम भी हो, जिसमें हंसी भी हो, जिसमें मजा भी आए। जो एक तरीके से अगर आप पढ़ रहे हैं तो अगर उसमें अपने दर्द को लिखा है तो आपको भी वो दर्द की फीलिंग हो। अगर आप लोग मुझे फेसबुक पर फॉलो कर रहे हैं तो वहां भी आपको बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे, या फिर नहीं कर रहे हैं तो फेसबुक पे मेरा पेज सर्च कीजिएगा अमन आकाश के नाम से। मैं फीचर की शक्ल में लिखता हूँ, उम्मीद है कि आप लोग उसको पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि फीचर किस तरीके से लिखा जाता है। अब जैसा कि इसमें परिभाषा दिया गया है कि फीचर का आशय समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित उन विशिष्ट लेखों से है जो हमें आनंदित और प्रफुल्लित करते हैं। जिन खबरों को पढ़कर, जिस लेख को पढ़कर आप खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, वो फीचर में आता है। अब फीचर लेखन के तत्व के बारे में इसमें बताया गया है कि फीचर लेखक के पास कवि सा भावुक हृदय होना चाहिए, मतलब इतने सुंदर शब्दों में लिखे कि आपको भी मजा आ जाए पढ़ के। अगर लेखक अपने प्रेम कहानी के बारे में लिख रहा है फीचर में, तो आपको ऐसा लगे कि वो आपकी प्रेम कहानी के बारे में बता रहा है। अगर लेखक फीचर में किसी यात्रा के बारे में लिख रहा है, तो आपको पढ़कर ऐसा लगे कि आप उस जगह पे यात्रा कर रहे हैं, मतलब फिल्म की तरह वो चीजें आपकी आंखों के सामने एकदम चलती रहे कैमरे की तरह। इस तरीके का जब आप लिखते हैं तो वो फीचर होता है जो फैक्ट शब्द से बना है। आशीष जी का मैसेज आया है, लोगों की सोच बदलेगी तो खबर बदलेगी, जबकि अच्छी खबर का दायित्व भी है लोगों की सोच बदलना। क्या एक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? इन सारी बातों पर हम क्लास के अंत में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो चैप्टर अभी और बचे हुए हैं आशीष, और समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है। फीचर के जो प्रकार हैं, व्यक्तिगत फीचर, समाचार फीचर, त्योहार पर्व संबंधी फीचर, जैसे आपने दिवाली मनाई, पोंगल मनाया, आपने अपने कोई क्षत्रिय त्योहार मनाए, इस पे आपने एक लेख लिखा है, और इस तरीके से इतने खूबसूरत अंदाज में आपने उसको बयां किया है कि जो पढ़ रहा है, अगर मैं आप उड़ीसा के किसी पर्व के बारे में लिखते हैं और मैं बिहार में बैठ के, या फिर दिल्ली में बैठ के, या फिर किसी भी अन्य राज्य में बैठ के उसको पढ़ता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस पर्व का हिस्सा हूँ, उस त्योहार का हिस्सा हूँ। तो इस तरीके का जो फीचर लिखते हैं वो होता है जीवंत फीचर। व्यंग्य फीचर होते हैं, चित्रात्मक फीचर होते हैं, ऐतिहासिक फीचर होते हैं, ये फीचर्स के प्रकार हैं। उसके बाद जब आर्टिकल आप लिखते हैं तो किसी भी लेख का जो विभिन्न पहलू होते हैं, सामाजिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, पुरातात्विक, या जो भी आर्थिक पहलू होते हैं, उन सारे चीजों का जब आप विवेचन करते हैं तो वो आर्टिकल का शक्ल लेता है। जब कोई आर्टिकल आप लिखते हैं तो उसको एक बार पढ़ लीजिए, त्रुटियां अगर आप समझ लेंगे कि शाब्दिक त्रुटि क्या है, किस तरह की गलतियां हो रही हैं, तो उसको आप दो तीन बार पढ़ने से वो सारी त्रुटियां दूर हो जाएंगी और वो आर्टिकल बहुत सटीक बनेगा। फीचर और आर्टिकल में यही एक डिफरेंस होता है कि फीचर जब आप लिखते हैं तो उसमें आप फ्री होते हैं फीचर लिखने में, उसमें आप किसी भी तरीके की सरल भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, मनोरंजक भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि सामने वाले के दिल से आवाज आए कि वाह क्या लिखा है इसमें। और आर्टिकल के साथ ऐसा होता है कि आर्टिकल में सारे तथ्य देने होते हैं, एक सरल भाषा में लिखने होते हैं। लेख और फीचर में अंतर भी बताया गया है कि लेख और फीचर दोनों का समाचार के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी दोनों समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं में अपनी अपनी एक जगह है। दोनों की सुंदरता सुंदर गद्य शैली पर निर्भर करता है, आप कितना अच्छा प्रोज लिख रहे हैं, लेकिन दोनों में खास किस्म का अंतर होता है। लेख लंबा, अरुचिकर, भारी भी हो सकता है, लेकिन फीचर में ये सब नहीं चलेगा। फीचर को मजेदार, रुचिकर बनाना चाहिए। लेख बड़ा लंबा होता है लेकिन फीचर छोटे छोटे लिखे। जब फेसबुक में पोस्ट लिखा जाता है किसी भी मुद्दे पर, तो वो फीचर की शक्ल में होता है, जिसको लोगों ने विभिन्न तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, विभिन्न तरीके का शब्द देते हैं उसमें, हिंदी के, इंग्लिश के, उर्दू के, शायरी के साथ शुरू करते हैं, किसी मनोरंजक अंदाज से शुरू करते हैं, व्यंग्य के साथ शुरू करते हैं, चुटकुलों के साथ शुरू करते हैं, तो वो फीचर होता है। और लेख में हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी होती है, हमारे ऊपर एक दबाव होता है कि हम लेख को एज इट इज लिखें। जो एक शैली होती है, जो भाषा शैली होती है, एक समाचार पत्र की जो भाषा शैली होती है, उस हिसाब से हम, उस मापदंड के हिसाब से लिखें, वो लेख होता है और फीचर अलग होता है। उसके बाद साक्षात्कार, जब आप किसी भी मुद्दे पर
कोई आपका किसी भी मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं किसी एक्सपर्ट से, उनसे जानकारियां लेना चाहते हैं, हर एक पहलू के बारे में उनसे बात निकलवाना चाहते हैं, तो वो साक्षात्कार आप लेते हैं। उसके लिए आप प्रश्न तैयार करते हैं, उन प्रश्नों को उन तक भेज देते हैं पहले ही, या फिर बात जब मिलते हैं उस समय पूछते हैं, तो वो साक्षात्कार होता है। किसी भी मुद्दे को अगर ले लिया जाए, जैसे मैंने साक्षात्कार लिया था जो हमारे व्यंग्यकार हैं श्री ज्ञान चतुर्वेदी जी, पद्मश्री व्यंग्यकार हैं, उनसे बातचीत हुई थी हिंदी साहित्य को लेकर कि न्यू मीडिया में हिंदी साहित्य की भाषा में किस तरीके का बदलाव आ रहा है, किस तरीके का प्रस्तुति में बदलाव आ रहा है, इन सारी चीजों को लेकर बातचीत हुई थी। तो हम प्रश्न तैयार करके लेके गए थे, फिर उनसे बातचीत हुई, उन्होंने सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझाया, फिर उसको हमने लिखा शब्दों में। तो इससे आपको उनसे अनुमति लेनी होती है, कई बार उनको मेल करना पड़ता है कि इस तरीके का प्रश्न है, इस विषय पे हम बातचीत करना चाहते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने प्रश्न को लेकर सीधा उन तक पहुंच जाते हैं और फिर उनसे बातचीत करते हैं। साक्षात्कार के प्रकार बताए गए हैं, स्वरूप के आधार पर, शैली के आधार पर, औपचारिकता के आधार पर, संपर्क के आधार पर, आकार के आधार पर, विषय के आधार पर, वार्ता पात्रों के आधार पर, प्रस्तुति के आधार पर, या फिर जो अन्य प्रकार हैं उसके आधार पर साक्षात्कार लिया जाता है। साक्षात्कार लेने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि हमें ये तय करना होता है, जब किसी आप नेता का साक्षात्कार लेने जा रहे हैं, फर्ज कीजिए कि आप किसी अपने लोकल न्यूज़पेपर में पत्रकार हैं, अगर आपको अपने जनप्रतिनिधि का साक्षात्कार लेना है, तो सबसे पहले आप उनसे टाइम और डेट फिक्स करेंगे, उनसे बातचीत कर लेंगे पहले ही कि किस समय पर आप फ्री हैं जिससे आपसे बातचीत हो पाए। कई बार ऐसा होता है कि उनको आपको प्रश्न भेजना पड़ेगा पहले ही कि इन मुद्दों पर हम बातचीत करना चाहते हैं, जिसके लिए पहले से तैयार होंगे, फिर आपसे वो बातचीत करेंगे, जिससे वो आपको अधिक से अधिक जानकारी दे सके, हर एक एंगल पर आपसे बातचीत कर सके। और कई बार ऐसा होता है कि जब अगर आप फिल्मी पत्रकारिता करेंगे, अगर आप सेलिब्रिटी के साक्षात्कार ले रहे हैं, तो आपको उनके शूटिंग स्थल पर जाकर साक्षात्कार लेना पड़ेगा। अगर आप हिंदी अखबार को पढ़ते हैं या फिर हिंदी वेबसाइट को पढ़ते हैं, तो आप अमित करण जी के वेबसाइट को पढ़िएगा, चवन्नी चैप वेबसाइट है अजय ब्रह्मात्मक जी का, उसको पढ़िएगा कि वो कैसे कैसे साक्षात्कार लेते हैं बॉलीवुड के सेलिब्रिटियों के, कैसे उनके वैनिटी वैन में जाकर साक्षात्कार लेना पड़ता है, एयरपोर्ट पे जाकर साक्षात्कार लेना पड़ता है, कई बार तो ऐसा होता है कि वो खाना खा रहे होते हैं रेस्टोरेंट में, तब जाकर साक्षात्कार लेना पड़ता है। तो साक्षात्कार किसी भी स्थिति में हो सकता है, लेकिन बस उसको आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको अपने प्रश्न तैयार करने पड़ेंगे, और साक्षात्कार लेने की एक भाषा होती है, एक शैली होती है, आपके प्रश्न ऐसे नहीं होने चाहिए कि सामने वाला नाराज हो जाए, निराश हो जाए, आपको विनम्रता के साथ पेश आना है उनके साथ, अपनी बात को उन पर नहीं थोपनी है। उनसे अगर आपको ज्यादा से ज्यादा बात निकलवानी है, अधिक से अधिक बात निकलवानी है, तो आपको खुद ज्यादा नहीं बोलना, कोशिश कीजिए कि वो अधिक बोले। आप संक्षेप में अपना प्रश्न रख दीजिए, वो सारा उत्तर आपको दे देंगे। किसी भी तरीके से जिद नहीं करें, बहस नहीं करें, पूर्वाग्रह से बचें, और अपने उत्तर में कोशिश करें कि नई बातें सामने आए। तो ये साक्षात्कार का तरीका होता है, इसमें कुछ प्रश्न लिए गए हैं, आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिएगा कि समाचार संकलन कैसे होता है, जिसमें हमने बातचीत की है कि समाचार के जो सोर्स हैं, कहाँ से हमें समाचार प्राप्त होते हैं, कौन कौन से माध्यम हैं, वहां से हमें समाचार संकलित करते हैं, उसके बाद समाचार लेखन के क्या सूत्र हैं। तो सबसे पहले हमने यही बातचीत की है समाचार लेखन में कि उल्टा पिरामिड का सिद्धांत होता है, फिर उसके बाद उसको 6 ककार जो होते हैं, 5W1H, उस पर हम बातचीत वो करते हैं, समाचार में शामिल करते हैं, उसके बाद समाचार लेखन की क्या विशेषताएं होती हैं, उसके बाद समाचार संपादन में शीर्षक का क्या महत्व होता है, लीड का क्या महत्व होता है, फीचर लेखन क्या है, लेख किसे कैसे लिखा जाता है, साक्षात्कार कैसे लिखा जाता है। ये पहला चैप्टर है, इन सारे प्रश्नों को आप कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा करने की, अगर आप नहीं कर पाए तो संपर्क कर लीजिएगा अभिषेक सर से, अभिषेक सर आपसे संपर्क करवा देंगे, फिर की बातचीत में हम कर लेंगे इसको, अगर आपको कोई नोट्स भेजना हो तो वो भी भेज देंगे, तो अभिषेक सर सारी चीजों को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप पहले चैप्टर से, तो आप उसको बॉक्स में बताएं, उसके बाद हम दूसरा तीसरा चैप्टर जो हमारा आखिरी का 2 चैप्टर है उसको पूरा करते हैं। देखिए फीचर का उदाहरण दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र मिश्र जी लिखते हैं मानुष प्रेम व्यक्ति, मनोहर श्याम जोशी पर इन्होंने फीचर लिखा है, बहुत मशहूर साहित्यकार है मनोहर श्याम जोशी, उनके ऊपर फीचर लिखा है डॉक्टर राजेंद्र मिश्र ने,
ये देखिए कितने सही तरीके से लिखा गया है, कितने मनोरंजक तरीके से लिखा गया है, इनकी भाषा में कितना सौंदर्य है, कितना जादू है। समाचार समितियों का फुल फॉर्म दोबारा बता दीजिए। जी बिल्कुल, मैं पूरी तरीके से आपको दोबारा इन सारी चीजों को बता देता हूँ। अगर आप कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो उनको नोट कर लीजिए, या फिर अगर आप किसी भी तरीके से इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, मोबाइल में टाइप करना चाहते हैं मोबाइल में टाइप कर लीजिए। तो भारत की समितियां हैं पीटीआई और यूएनआई। पीटीआई का फुल फॉर्म है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूएनआई का फुल फॉर्म है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यूएनआई, एपी जो अमेरिका की समिति है उसका नाम है एसोसिएटेड प्रेस एपी, ये अमेरिका की समाचार समिति है जिसका नाम है एसोसिएटेड प्रेस। एएफपी जो फ्रांस की है, इसका फुल फॉर्म है एजेंस दे फ्रांस प्रेसे, ये फ्रेंच भाषा में है, इंग्लिश है वो फ्रेंच की है, डायरेक्ट इसका फ्रेंच का है। एजेंसी AGENCE फ्रांस प्रेसे FRANCE, ये इसका फुल फॉर्म प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। आशीष ने लिख दिया यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, उसके बाद एपी का एसोसिएटेड प्रेस, एएफपी का एजेंसी फ्रांस प्रेसे। उसके बाद भी बहुत सारी हमारी समाचार एजेंसियां हैं, पीआईबी है, पीटीआई है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिवार्ता है, जहाँ से समाचार मिलती है, जहाँ से समाचार पत्रों को समाचार मिलता है, जहाँ से न्यूज एजेंसियों को समाचार मिलता है। इन सारी चीजों को आप नोट कर लें। और उसके बाद है पत्रकारिता के विविध आयाम। अगर जो पहला आपका चैप्टर है ये समझ में आ गया है, आप लोग अगर अपनी प्रतिक्रिया दे दें तो हम सीधा पहुंचेंगे दूसरे चैप्टर पे, जो है पत्रकारिता के विविध आयाम। पत्रकारिता के कौन कौन से आयाम हैं, कौन कौन से डायमेंशंस हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे पत्रकारिता के विविध आयाम में। जो दूसरा हमारा चैप्टर है, जो सेकंड लास्ट चैप्टर है, जितने हमारे छात्र अभी उपस्थित हैं, आशीष हैं, बितन बाला हैं, कविता हैं, किरोड़ किरोद चंद्र हैं, मनिका पांडा जी हैं, मीनाती विश्वाल जी, ये तो खैर टेक्निकल स्टाफ हैं, पृथ्वीराज मिश्रा सर हैं, प्रिया राय जी हैं, साकर हुसैन जी हैं, सुनीता प्रधान जी हैं। आप सब लोग से बातचीत होती रहेगी, आप सब लोगों के फीडबैक मिलते रहेंगे, तो फिर इस पे हमें बातचीत करने में अच्छा लगेगा। उसके बाद जो हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है पत्रकारिता के विविध आयाम, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और रेडियो के बारे में जान सकेंगे, सोशल मीडिया और वेब मीडिया के बारे में जान सकेंगे, प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाओं के बारे में जान सकेंगे, और जो समाचार की एजेंसियां हैं उसके बारे में जान सकेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पास कितने सारे माध्यम हैं आजकल पत्रकारिता के, आज भारत में अकेले सिर्फ हमारे देश में विभिन्न भाषाओं में 70,000 से अधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, चाहे वो दैनिक समाचार पत्र हो, साप्ताहिक हो या फिर पाक्षिक हो, 70,000 से अधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। 700 के आसपास चैनल्स हैं, जिसमें से सिर्फ 80 तो समाचार चैनल है, और ये चीजें अपग्रेड होती रहती हैं डेली डेली, आंकड़ा बदलता रहता है। अगर आप उसको इंटरनेट पे सर्च करें तो आपको इससे अपग्रेड जानकारी मिल जाएगी। आज भी भारत विश्व का सबसे बड़ा समाचार पत्र का बाजार है। लगभग प्रतिदिन भारत में 10 करोड़ प्रतियां बिकती है सभी अखबारों की। 10 करोड़ एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। उसके बाद हमारे हाथ में मोबाइल आ गया है, हमारे पास टेलीविजन है, हमारे पास रेडियो है, हमारे पास सोशल मीडिया है। अब कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है हमारे सोसाइटी का, कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो पत्रकारिता से रूबरू नहीं है, कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो समाचार पत्रों से अछूता है। जब पहले हम जब हमारे पास टेलीविजन नहीं था, जब पहले हमारे पास मोबाइल नहीं था, जब हमारे पास वेब मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो आप याद कीजिए उस समय को कि हमारे पिताजी या फिर हमारे जो पेरेंट्स होते थे वो खेतों में काम कर रहे होते थे, वो घर पे कोई काम कर रहे होते थे, और फिर किसी एक कोने में रेडियो बजता रहता था। नमस्कार, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, नमस्कार, ये आकाशवाणी का उड़ीसा केंद्र है, नमस्कार, ये आकाशवाणी का
दिल्ली केंद्र है, और फिर हम रेडियो बजते बजते काम करते रहते थे। रेडियो पे गीत चल रहा है, रेडियो पे कोई नाटक चल रहा है, रेडियो पे कोई खास प्रोग्राम चल रहा है, और पिताजी हमारे खेतों में काम कर रहे होते थे, हमारे घर पे मम्मी अपने गृह कार्यों को निपटा रही होती थी, हम अपने घर पे पढ़ रहे होते थे। ऐसा कई बार ऐसा होता था कि गाना पढ़ते गाना सुनते सुनते हमें अच्छी हमारी अच्छी पढ़ाई हो जाती थी, या फिर गाना सुनते सुनते हमें अच्छी नींद आ जाती थी। वो रेडियो का जमाना था, जिसमें जिस रेडियो पत्रकारिता के बारे में ये एक टॉपिक है जिसमें दिया गया है कि भारत में 1936 से रेडियो का नियमित प्रसारण शुरू हुआ था। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है किसी भी एग्जाम में कि भारत में रेडियो का प्रसारण कब शुरू हुआ था। ये 1936 में रेडियो का नियमित प्रसारण शुरू हुआ। आज भारत के कोने कोने में देश की लगभग 97% जनसंख्या रेडियो सुन पा रही है। देखिए, अखबार के साथ या फिर इंटरनेट के साथ कुछ बॉर्डर्स हैं, कुछ उसके लिमिटेशन है। अगर आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, अगर बिल्कुल निरक्षर है, तो वो अखबार नहीं पढ़ पाएगा, वो मोबाइल यूज नहीं कर पाएगा, वो इंटरनेट यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन रेडियो एक ऐसा माध्यम है, टेलीविजन एक ऐसा माध्यम है जिसको कोई भी समझ सकता है, चाहे वो निरक्षर है, जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, रिक्शा चालक है, या समाज के किसी भी हिस्से का वो नागरिक है, वो रेडियो को सुन सकता है, उसको समझ सकता है। आप अगर आप रिक्शे की सवारी करते होंगे अपने शहरों में, तो आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि रिक्शे के आगे हैंडल पर रेडियो टंगा होता है, और जो रिक्शा चालक होता है वो गाना सुनते सुनते रेडियो को खींचता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप ऑटो में जाते हैं या फिर कैब से जाते हैं, तो कैब में रेडियो लगा रहता है, वहाँ FM बजते रहते हैं। तो ये माध्यम था रेडियो हमारे पास सबसे पहले, जो सशक्त माध्यम था। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया रेडियो के साथ साथ, मुद्रण के साथ साथ, जैसे प्रिंट मीडिया के साथ साथ हमारे पास टेलीविजन आ गए, केबल आ गया, हमारे पास बहुत सारे चैनल्स के ऑप्शन आ गए। पहले हमारे पास बहुत कम ऑप्शन थे चैनल, दूरदर्शन देखते थे, मेट्रो देखते थे, डीडी मेट्रो, डीडी न्यूज या डीडी नेशनल। उसके बाद जैसे ही केबल वाला वो आया, केबल ऑपरेटर्स आए, तो हमारे पास चैनलों की बाढ़ आ गई। और अब तो इतने सारे चैनल हैं कि आप ये तय नहीं कर पाते हैं कि कौन सा फिल्म देखें, कौन सा छोड़ें, किस न्यूज चैनल को सुने और किसको नहीं सुने। इतने सारे ऑप्शन है आपके पास। कई बार तो ऐसा होता है कि घर में समाचार पत्र अलग रखा हुआ है, टेलीविजन अलग चल रहा है, और हम मोबाइल लेके अलग बैठे होते हैं। अब इतने सारे माध्यम हैं आपके पास, इतनी चीजों की उपलब्धता हो गई है आपके पास, हमारे पास, कि हमें सोचना पड़ रहा है कि किस माध्यम को कितना समय दे। आजकल हर एक घर में टेलीविजन है, लेकिन अक्सर समय टेलीविजन बंद होता है क्योंकि हम सब मोबाइलों में लगे होते हैं, अपने अपने नेटफ्लिक्स पे लगे होते हैं, अमेजन पे लगे होते हैं, या फिर यूट्यूब पे लगे होते हैं। हमारा समाचार पत्र घर में आता है, लेकिन समाचार पत्र को हम पलटते भी नहीं है, वो घर के किसी एक कोने में पड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो सारी खबरें हमें एकदम पहले मिल चुकी होती हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से। इतने सारे ऑप्शन हैं आपके पास। अब ये देखिए, सोशल मीडिया के बारे में बताया गया है कि सोशल मीडिया के कितने सारे प्रकार हैं। सबसे अच्छी बात है कि आपका ये जो नोट्स है बहुत अपडेट है। इसमें इंटरनेट फॉरम, वेब ब्लॉग, सामाजिक ब्लॉग, माइक्रो ब्लॉगिंग, विकिपीडिया, सोशल नेटवर्क, पॉडकास्ट, फोटोग्राफ, चित्र, चलचित्र, ये सारी चीजें अगर जो आप चलाते हैं सोशल मीडिया के, वो सारी चीजें आपके उसमें आती हैं, सोशल माध्यम में। याहू न्यूज, गूगल न्यूज, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब सोशल माध्यम है जिसके माध्यम से आप लोगों से जुड़ पा रहे हैं। अब ये है कि दो सिविलाइजेशन में बांट रहा है सोशल मीडिया। अब देखिए ना कैसे हमारे समाज का वर्गीकरण होगा। आप चीजों को समझिए, एक तो पूरे संसार को हमने अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा है इंटरनेट के माध्यम से, और एक जो बड़ा वर्ग है हमने अपने संसार के पैरेलल, अपनी सोसाइटी के पैरेलल एक दूसरी सोसाइटी बना दी है। एक जो हमारा संसार है, जो हमारा भौतिक संसार है, जो हमारा फिजिकल सिविलाइजेशन है, वो तो एग्जिस्ट करता ही है। आप इस चीजों को समझिए कि हम घर में हैं, वो हमारा फिजिकल सिविलाइजेशन है, हम दोस्तों के बीच हैं, वो हमारा फिजिकल सिविलाइजेशन है, हम क्लास में बैठे हैं, वो हमारा फिजिकल सिविलाइजेशन है। उसके पैरेलल एक हमने वर्चुअल सिविलाइजेशन बना रखा है। हमने अपना फेसबुक बना रखा है जिसमें हमारे 5,000 फ्रेंड्स हैं, हमने अपना इंस्टाग्राम बना रखा है जिसमें हमारे फॉलोअर्स हैं 5,000, हमने अपना ट्विटर बना रखा है जिसमें हमको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने फिजिकल सिविलाइजेशन में बैठे हुए हैं, हम अपने घर में बैठे हुए हैं, उसके साथ साथ हम अपने
वर्चुअल सिविलाइजेशन में भी मौजूद रहते हैं। आप लोगों ने इस चीज को गौर किया होगा या नहीं किया होगा कि हम लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, पूरी फैमिली हमारी बैठी हुई है साथ में, मम्मी पापा हमारे पेरेंट्स हमारे चाचा चाची सब लोग बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं उसमें, और सबके हाथ में मोबाइल है, सब अपने अपने मोबाइल में बिजी हैं। इसका क्या मतलब है? हमने सिविलाइजेशन को दो भागों में बांट दिया, एक जो हमारा फिजिकल सिविलाइजेशन है जिसमें हम सब लोग तो एक साथ बैठे हुए हैं लेकिन सब लोग अपनी अलग दुनिया में है, जो हमने एक पैरेलल दुनिया बना रखी है अपनी, हम उस दुनिया में है जिसको वर्चुअल सिविलाइजेशन कहा। चीजें क्लियर, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका, वर्चुअल सिविलाइजेशन का और फिजिकल सिविलाइजेशन का? कई बार हम क्लास में बैठे फेसबुक चला रहे होते हैं, कई बार हम किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं वहां पे व्हाट्सएप चेक कर रहे होते हैं, किसी सेमिनार में बैठे हुए हैं वहां पर हम चैट कर रहे होते हैं किसी से। तो हमने दो दुनिया बना रखी है ना, एक के समानांतर दूसरी दुनिया, एक हमारा क्लास, एक हमारा परिवार, एक हमारी फैमिली, एक हमारा दोस्तों का ग्रुप, ये हमारा फिजिकल सिविलाइजेशन हो गया, एक हमारा फेसबुक, एक हमारा इंस्टाग्राम, एक हमारा ब्लॉग, ये हमारा हो गया वर्चुअल सिविलाइजेशन। चीजें समझ में आ रही हैं आपको अच्छी तरीके से? आपके फीडबैक मिलेंगे तो पृथ्वीराज जी का मैसेज आया है, कविता जी का मैसेज आया है, सुनीता प्रधान जी का मैसेज आया है। आप सब अगर क्लास में आपको चीजें अच्छे से समझ में आती हैं तो आप लोग अपने साथियों से बताएं, उनको प्रेरित करें कि क्लास में वो उपस्थित रहें। ऑनलाइन क्लासेज, अब जमाना थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये कोरोना ने सारी चीजों को बदल के रख दिया है। हम जो क्लास में वर्ग में सब आदमी साथ में बैठ कर बातचीत करते थे, वहां बैठ कर पढ़ते थे, आज हमें ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है। तो देखिए कैसे पैरेलल चीजें चल रही हैं, एक हमारा क्लास वाला जो सिविलाइजेशन है वो हमारा फिजिकल सिविलाइजेशन है, और ये जो ऑनलाइन क्लासेज है ये हमारा वर्चुअल सिविलाइजेशन है। दोनों बहुत जरूरी हो गया, दोनों ही चीजों को जब तक हम साथ में लेकर नहीं चलेंगे हमारा काम मुश्किल है। अब इतने हम आदी हो गए हैं इंटरनेट के, इतने आदी हो गए हैं हम अपने फेसबुक के, इतने व्हाट्सएप के, कि ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा हो गया। सुबह उठ के हम पानी पिए या ना पिए, दैनिक जीवन के काम करें या ना करें, सबसे पहले व्हाट्सएप चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं, इंस्टाग्राम चेक करते हैं और ईमेल चेक करते हैं। कितना जरूरी होगा ये हमारे जीवन में। सुनीता जी का मैसेज आया है कि सर नेक्स्ट क्लास कब होगा? सुनीता, अब जब मुझे क्लास के लिए आमंत्रित किया जाएगा तो नेक्स्ट क्लास होगा, इसके लिए आप अभिषेक सर से बात करेंगे। उसके बाद है कि समाचार पर नकारात्मक प्रभाव, सॉरी समाज पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हर एक चीज के, हर एक सिक्के का दो पहलू होता है, हेड होता है, टेल होता है। पॉजिटिव चीजें होती हैं, नेगेटिव चीजें होती हैं। आप उन चीजों का कैसा इस्तेमाल करते हैं इस पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं। आप फेसबुक चला रहे हैं तो फेसबुक का कैसे इस्तेमाल करते हैं, अगर आप इंटरनेट चला रहे हैं तो उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब कई लोग हैं जो पबजी जैसे गेम है या फिर बहुत सारे ऐसे गेम है जिसके आदि हो जाते हैं। ऑनलाइन लूडो वाला भी एक गेम आया जिसके हम आदि हो जाते हैं, दिन दिन भर बैठ के ऑनलाइन लूडो खेलते रहते हैं। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, इससे बहुत फर्क पड़ता है हमारी दिनचर्या पे, बहुत फर्क पड़ता है हमारी मेंटालिटी पे। अगर हम दिन भर बैठ कर किसी एक कोने में मार धाड़ वाले गेम्स, गोली चलाने वाले गेम्स जो एक छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं पबजी, अगर ये सारी चीजें वो बचपन से खेलना शुरू करेंगे तो उनकी मानसिकता पे किस तरह का असर पड़ेगा, ये सारी चीजें सोचने लायक हैं। और आप लोग पत्रकारिता के छात्र हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इन सारी चीजों को लेकर आर्टिकल लिखें, इन सारी चीजों को लेकर ब्लॉग बनाएं, इन सारी चीजों को बोलकर फेसबुक लाइव आकर बताएं अपने छोटे भाइयों को, अपने अनुजों को, कि इन सारी चीजों से बचें। ये जो नकारात्मक चीजें होती हैं, जो नकारात्मक पहलू होता है, उनसे बचें। कई बार फेसबुक पर या फिर सोशल मीडिया पर इस तरीके का फोटो अपलोड कर दिया जाता है, इस तरीके की बातें बोल दी जाती हैं जिससे दंगे जैसा माहौल बन जाता है, जिससे आसपास की स्थिति बिगड़ सकती है। तो इस तरीके का नकारात्मक इस्तेमाल करने से बचें, और हमें बचना चाहिए। हम समाज के ऐसे वर्ग में आते हैं जो पत्रकारिता के छात्र हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो समाचार के बौद्धिक वर्ग में आते हैं, समाचार की बौद्धिक संपदा के वो हिस्सा है। तो हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हम पॉजिटिव चीजें लाएं, पॉजिटिव चीजें। अगर समाचार पत्र नहीं ला रहा है, हमारे एक साथी की शिकायत थी कि समाचार पत्र में सिर्फ नकारात्मक खबरें फर्स्ट पेज पे आती हैं, तो मेरे दोस्त अगर समाचार पत्र
सिर्फ नकारात्मक खबरों को जगह दे रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने स्तर से, अपने फेसबुक पेज से, अपना हमारा जो ब्लॉग है उसके माध्यम से हम पॉजिटिव खबरों को स्थान दें। आप सब, हम सब पत्रकारिता के छात्र हैं, हम सब लोग फेसबुक चलाते होंगे, ब्लॉग लिखते होंगे, तो हम कोशिश करें कि हम पॉजिटिव खबरों को लोगों तक पहुंचाएं। समाचार पत्र के अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं चलाने के, जो एजेंसी होती है, जो समाचार पत्र की एजेंसी होती है या समाचार पत्र जो संस्थान होता है उसके कुछ मापदंड होते हैं, उनकी कुछ मजबूरियां होती हैं, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। हमारे हाथ में सब कुछ है, इंटरनेट है, हमारे हाथ में सोशल मीडिया है, हमारे हाथ में ब्लॉग है, हम सकारात्मक खबरें क्यों नहीं दें? हम अपने फेसबुक पेज पर, हम अपने फेसबुक पोस्ट पर क्यों लड़ाई करने जाएं, क्यों बेवजह बेमतलब का तर्क कुतर्क करने जाएं? हम सकारात्मक खबरें समाज की निकाल कर दें, हम ऐसी खबरें समाज की निकाल कर दें जो जरूरी है, जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। जो वेब पत्रकारिता है आप लोगों के हाथ में, आप लोगों के हाथ में विकिलीक्स के बारे में आप जानते होंगे, जूलियन असांजे नाम के एक विसिल ब्लोअर थे। विसिल ब्लोअर शब्द से आप लोग शायद परिचित होंगे या नहीं परिचित होंगे, जो खोजी पत्रकारिता करता है या फिर जो स्टिंग ऑपरेशन करता है, जो बहुत गुप्त तरीके से लंबे समय से किसी किसी एक मुद्दे पर काम करता आ रहा है, जिसके बारे में उसने किसी को भनक नहीं लगने दी है, और उस मुद्दे को वो एकाएक दुनिया के सामने लेकर आता है, वो कहलाता है विसिल ब्लोअर। जूलियन असांजे नाम का एक व्यक्ति था जिसने विकीलीक्स पर ऐसी रिपोर्टिंग की थी जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। आप विकिलीक्स के बारे में इंटरनेट पे पढ़िएगा, आपको सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। एडवर्ड स्नोडेन नाम का आदमी है, जूलियन असांजे नाम का आदमी है, ये सब विसिल ब्लोअर हैं, मशहूर विसिल ब्लोअर हैं। इनको अपना देश छोड़ना पड़ गया था, इस तरीके की पत्रकारिता इन्होंने की थी, इस तरीके का सनसनीखेज खबर इन्होंने विकिलीक्स के माध्यम से लीक किए थे कि अपना देश छोड़ना पड़ गया। इतने खतरे उठाने पड़ते हैं, कई बार तो जान से हाथ धोना पड़ जाता है स्टिंग ऑपरेशन करने वालों को, विसिल ब्लोअर्स को, या फिर जो खोजी पत्रकारिता करते हैं, जो क्राइम रिपोर्टर्स होते हैं, उनको अपने जान से हाथ धोना पड़ जाता है खबरों को लाने के लिए। और ऐसे ऐसे पत्रकारों को याद रखती है दुनिया। आप लोग जेडे के बारे में जानते होंगे, ज्योतिर्मय डे, जो बहुत मशहूर क्राइम रिपोर्टर थे महाराष्ट्र के, उनकी हत्या कर दी गई थी और उस समय भूचाल आ गया था पत्रकारिता के क्षेत्र में। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, हमारे हिंदी पत्रकारिता के मशहूर पत्रकार सर गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता के क्षेत्र में मारे गए थे, रिपोर्टिंग करते समय मारे गए थे। ऐसे ऐसे पत्रकार ही इतिहास में दर्ज होते हैं। और अब तो आपके हाथ में इंटरनेट है, आपके हाथ में कैमरा है, आपके हाथ में रिकॉर्डिंग की मशीन है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले 1995 में ई संस्करण जो पीडीएफ में हम पढ़ते हैं, वो सब पीडीएफ में चीजें हमारे सामने अखबार आ जाते हैं। अगर हम प्रिंट में नहीं पढ़ना चाहें तो पीडीएफ में चीजें मौजूद हो जाती हैं। 1995 में सबसे पहले हिंदू अखबार ने अपना ई संस्करण निकाला था, उसके बाद महज 3 सालों में 1998 तक 48 समाचार पत्रों ने ई संस्करण निकालना शुरू कर दिया। आज कोई भी ऐसा अखबार नहीं है जो अपने अखबार का पीडीएफ नहीं निकालता हो, ई संस्करण नहीं निकालता हो, या फिर जिसका कोई वेब पेज नहीं। आप फेसबुक पर देखो तो हिंदुस्तान का वेब पेज है, दैनिक जागरण का वेब पेज है, दैनिक भास्कर का वेब पेज है। वेब मीडिया के माध्यम से भी उसकी शैली को समझते हुए, उसकी प्रस्तुति को समझते हुए वो लोग अपनी खबरों को देते हैं। उसके बाद समाचार सेवा देने के लिए आपके पास याहू है, गूगल न्यूज है, भड़ास फॉर मीडिया है, फोरम फोर है, ब्लॉग प्रहरी है, मीडिया मंच है, प्रभावक्ता प्रवक्ता है, प्रभाषाक्षी है, बहुत ऐसे ब्लॉग्स हैं, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जो आपको पॉजिटिव खबरें देते हैं। और ये आपके हाथ में भी, आप खुद अपना ब्लॉग बनाइए, वेब पत्रकारिता कीजिए। अब आपके पास इंटरनेट है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास भाषा अच्छी है, आप पत्रकारिता को समझ चुके हैं कि कैसी पत्रकारिता करनी चाहिए हमको अपनी सोसाइटी के लिए, इतने जागरूक हैं आप, तो आपको वेब पत्रकारिता करनी चाहिए, अपना ब्लॉग्स बनाना चाहिए, लगातार चीजों को मुद्दों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अब हिंदी का जो हिंदी पत्रकारिता की जहां से शुरुआत हुई थी, जिसको हम हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं, अभी 30 मई को हमने हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया। हर साल ये 30 मई को मनाया जाता है, ये आप नोट कर लें। 30 मई 1826 को सबसे पहला हिंदी का अखबार उदंत मार्तंड, जो उसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी, उनके संपादन में कोलकाता से निकला था।
हिंदी पत्रकारिता की जो नींव थी भारत में वो कोलकाता से शुरू हुई थी। एक साप्ताहिक अखबार उदंत मारतंड के रूप में जो पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 30 मई 1826 को कोलकाता से शुरू किया। एक्सक्यूज हिंदी पत्रकारिता की नींव यहां से पड़ी थी और आज हमारे पास इतने सारे अखबार हैं, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है जो सबसे ज्यादा हिंदी में पढ़े जाते हैं, अमर उजाला है, टाइम्स ऑफ इंडिया का हिंदी संस्करण है, हिंदुस्तान है, और अलग अलग भाषा के भी हैं, मलयाला मनोरमा जो मलयालम भाषा में केरल से प्रकाशित होती है, इनाडू है ये तेलुगु भाषा में प्रकाशित होती है, राजस्थान पत्रिका है, दैनिक सहंती है ये तमिल भाषा में प्रकाशित होती है, मातृभूमि है ये मलयाली भाषा में प्रकाशित होती है। बहुत सारे ऐसे अखबार हैं जो अपने लोकल डायलेक्ट में, लोकल भाषा में प्रकाशित होती है, सकाल है जो मराठी में प्रकाशित होती है, संदेश गुजराती में, साक्षी मराठी में, लोकमत समाचार मराठी में, आनंद बाजार पत्रिका बंगाली में, आपके उड़िया भाषा में भी बहुत सारे समाचार पत्र ऐसे प्रकाशित होते होंगे। अपने समाचार पत्र को पढ़िए, अपने लोकल समाचार पत्र को पढ़िए और देखिए किस तरीके से वो खबर करते हैं, किस तरह की वो चीजों को अपने महत्ता से छापते हैं। अब हिंदी के जो प्रमुख पत्रकार हैं उनके बारे में बताया गया है, ये छठा सब टॉपिक है, पेज नंबर 112, जिसमें हिंदी पत्रकारिता की जो शुरुआत हुई थी वो आजादी की लड़ाई के साथ शुरू हुई थी। जो लड़ाई हमने अंग्रेजों से लड़के, अंग्रेजी सत्ता से लड़के जो लड़ाई शुरू की थी, वो लड़ाई अब अशिक्षा पे, उपेक्षा पे, बेरोजगारी पे, किसानों की समस्या पे, नारी की समस्या पे, स्वास्थ्य की समस्या पे, भोजन की समस्या पे लगातार जारी है। स्वतंत्रता पूर्व के जो हिंदी के पत्रकार है उसकी लिस्ट दी गई है यहाँ पे, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु युग साहित्य में एक महत्वपूर्ण युग के बारे में जाना जाता है। अगर आप लोग हिंदी साहित्य को पढ़ते होंगे तो उसमें आप भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं को पढ़िए। प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, मदन मोहन मालवीय जी हैं, सनातन धर्म अखबार निकाला था इन्होंने, विश्व बंधु लीजर, हिंदुस्तान, उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, बालमुकुंद गुप्त जी हैं, श्याम सुंदर दास हैं, प्रेमचंद जी हैं, बाबूराव विष्णु पराड़कर जी हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, शिव प्रसाद गुप्त जी हैं। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के जो पत्रकार हैं उसमें अज्ञेय साहब हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय जी के बारे में जानते होंगे आप, मन्मथ नाथ गुप्ता हैं, अक्षय कुमार जैन हैं, शीला झुंझुनवाला हैं, रतन लाल जोशी, एक पूरी लिस्ट इसमें दी गई है और कौन कौन से अखबार के साथ उन्होंने काम किया है उसके बारे में आज बताया गया है इसमें। आजकल के जो पत्रकार हैं उसमें हिंदी पत्रकारों में शशि शेखर जी हैं, अरुण कुमार त्रिपाठी जी हैं, रामशरण जोशी जी हैं, सुरेंद्र प्रताप सिंह जो आज तक में थे, विद्या निवास मिश्र जी हैं, ये सब पुराने पत्रकार हैं, नंद किशोर त्रिखा जी हैं, महेश श्रीवास्तव जी हैं, जगदीश उपासने जी हैं, जगदीश उपासने जी माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं, संजय द्विवेदी जी हैं जिनकी पत्रिका मीडिया विमर्श निकलती है, संजय द्विवेदी जी अभी माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कुलपति हैं, रामशरण जोशी हैं, दिवाकर मुक्तिबोध जी हैं, ललित सुरजन जी हैं, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनका नाम हिंदी पत्रकारिता में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उसके बाद समाचार एजेंसियों के बारे में बताया गया है जिसकी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। उसके बाद पत्रकारिता की क्या प्रासंगिकताएं हैं उन सारी चीजों के बारे में बताया गया है, इसको आप लोग पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ बोध प्रश्न हैं, पत्रकारिता के नए आयाम क्या हैं, समाचार माध्यमों के नए रुझान क्या हैं, पत्रकारिता में रेडियो का क्या स्थान है, पत्रकारिता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में बताइए, सोशल मीडिया की क्या भूमिका है बताइए, वेब मीडिया की कार्य प्रणाली बताइए, समाचार पत्रों के बारे में बताइए, पत्रकारों के बारे में बताइए और पत्रकारिता की अन्य प्रासंगिकता के बारे में बताइए। इन प्रश्नों को आप करने की कोशिश कीजिएगा, किसी भी तरीके से दिक्कत आए तो आप अभिषेक सर से संपर्क कर लीजिएगा, फिर इस पर बातचीत की जाएगी सर से। और जो अब आज का हमारा आखिरी चैप्टर है वो है पत्रकारिता और अनुवाद। मैं बार बार पहले ही दिन से आपको कह रहा हूं, पहले ही दिन से क्लास में हम ये बातचीत कर रहे हैं कि अनुवाद हमको मल्टी लिंगुअल क्यों होना चाहिए, हमको बाईलिंगुअल क्यों होना चाहिए। अब जो खबरें फ्रांस से आती होंगी, जो खबरें अमेरिका से आती होंगी, वो अंग्रेजी में लिख कर आती हैं, फ्रेंच भाषा में लिख कर आती हैं, उनको यहाँ पर हमारे जो भारतीय वो हैं, जो हमारी न्यूज एजेंसियां हैं, उसको वो अपनी भाषा में, हमारी भाषा में
अनुवादित अनुदित करती हैं, उनका ट्रांसलेशन करती हैं, उसके बाद उसको छापा जाता है। अगर आपके उड़ीसा के अखबार में, उड़िया में कोई खबर विदेश की छप रही है, तो उसको सोचिए कितने चरणों में अनुवाद किया गया होगा। सबसे पहले वो फ्रेंच में छप के आई होगी, वो इंग्लिश में छप के आई होगी, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया होगा, फिर उसको उड़िया में ट्रांसलेट किया गया होगा। और ये काम वही कर सकता है ना जिसको ये सारी भाषाएं आती है, जो इंग्लिश का जितना अच्छा जानकार है उतना ही अच्छा जानकार हिंदी का ही है, उतना अच्छा जानकार उड़िया का भी है। इंग्लिश में जो खबरें छपती हैं, जो खबरें फ्रेंच में छप कर आती हैं, उस भाषा का अलग मिजाज होता है। अगर उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो हमारी जो भाषा का मिजाज है, हमारी हिंदी का जो मिजाज है, हमारी हिंदी की जो सरलता है, हमारी उड़िया की जो सरलता है, हमारी उड़िया में जो मिठास है, इन सारी चीजों में हम जब ट्रांसलेट करते हैं तो उन सारी मिठास को रखा जाता है उसमें, तब जाके चीजें, वो जो अनुवादित, जो अनुवाद की गई जो समाचार है, तब जाके वो अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंच पाती है। अगर आप लोगों ने नेट का पेपर दिया होगा मास कम्युनिकेशन से, तो उसमें जो ट्रांसलेशन होता है वो होता है गूगल से ट्रांसलेशन, वो एक मशीनी अनुवाद होता है, उसको समझना कितना कठिन होता है। कई बार यूपीएससी के एग्जाम में भी ऐसे ऐसे मशीनी अनुवाद आ जाते हैं, जो उससे यूपीएससी के स्टूडेंट तक सोच में पड़ जाते हैं कि किस तरीके का अनुवाद है। टैबलेट को आ गया, टैबलेट का अनुवाद आया था गोली कंप्यूटर, टैबलेट जो हम टैब यूज करते हैं, ये यूपीएससी के अनुवाद है। स्टील प्लांट का आया था इस्पात वृक्ष, इस तरह के हास्यास्पद अनुवाद हो रहे हैं। अगर मशीनी अनुवाद होगा तो यही स्थिति आएगी। अगर कोई मनुष्य बैठ कर अनुवाद करता है, कोई एक आदमी बैठ कर अनुवाद करता है, जो कि इंग्लिश भाषा को भी अच्छे तरीके से जानता है, हिंदी को भी अच्छे तरीके से जानता है, तो वो सही तरीके से अनुवाद कर पाएगा। अगर आप लोग हिंदी साहित्य में और इंग्लिश साहित्य में रुचि रखते हैं, तो आप चेतन भगत के उपन्यास को इंग्लिश में पढ़िए और हिंदी में पढ़िए। अगर मूल भाषा में चेतन ने इंग्लिश में लिखी है, तो वो उतना बढ़िया इंग्लिश में पढ़ने में जितना मजा आएगा, हिंदी के अनुवाद को पढ़ने में उतना मजा नहीं आएगा। विलियम शेक्सपियर की रचनाएं अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने में उतना मजा नहीं आएगा जितना मजा उसको इंग्लिश में पढ़ने में आएगा। या फिर प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं, जो प्रेमचंद हमारे समाज की समस्याओं के बारे में अपनी रचनाओं में लिखते हैं, जब हल्कू है, अगर आप पूस की रात कहानी पढ़े होंगे या ईदगाह कहानी पढ़े होंगे, जिसमें इमोशन को हिंदी में बताया गया है, हल्कू और जबरा जो उसका कुत्ता है उसके साथ के रिलेशन को हमारी हिंदी भाषा में, हमारी स्थानीय भाषा में बताया गया है। अमीना और हामिद के बीच का जो रिलेशन है, हामिद और उसके दोस्तों के बीच का जो रिलेशन है, उसको जितने अच्छे तरीके से प्रेमचंद जी ने हिंदी में व्यक्त किया है, उतने अच्छे तरीके से क्या हम इंग्लिश में उसको कर पाएंगे? वो मर्म निकल के सामने आ पाएगा? इसके लिए जरूरी होता है अनुवाद, और इसके लिए जरूरी होता है भाषा पर आपकी पकड़। आपकी इंग्लिश भाषा पर जितनी अच्छी पकड़ है, अगर उतनी ही अच्छी पकड़ हिंदी की भाषा पर है, तब आप एक बेहतर अनुवादक हो पाएंगे। और ये अनुवाद बहुत जरूरी इसलिए है कि हमें हर एक दुनिया के हर एक कोने की खबर चाहिए होती है, और वो खबर हमें कैसे मिलेगी? वो खबर हमें उस देश की भाषा में मिलती है जिसका हम अनुवाद करते हैं, उसके बाद फिर हमारे लोगों तक वो अनुवाद में अनुवाद वो पहुंचता है। इस अनुवाद के बारे में देखिए, इसमें पेज नंबर 126 में एक उदाहरण दिया गया है कि एक समाचार पत्र ने, उप संपादक ने साल्ट SALT का अनुवाद नमक समझौता कर दिया था, जबकि वहां साल्ट का अर्थ नमक नहीं बल्कि स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी था। इस चीज को समझिए, शॉर्टकट में अगर आप साल्ट ट्रीटी अगर लिख के आता है SALT, तो जो उसका अनुवाद करेगा, मशीनी अनुवाद करेगा, वो तो नमक लिखेगा ही, जबकि इसका सही SALT का सही सही अर्थ था स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। कितना फर्क पड़ जाता है अनुवाद से। इसलिए अनुवाद को समझने के लिए हमको असाधारण तरीके से उस भाषा को समझना होगा, उस भाषा के मर्म को समझना होगा। जैसे 20th Century Fox, अगर आप हॉलीवुड की फिल्में देखते होंगे तो आप 20th Century Fox के बारे में जानते होंगे, जिसका शाब्दिक अनुवाद है 20वीं शताब्दी का लोमड़ी। क्या ये सही है? टॉपलेस ड्रेस, जिसका शाब्दिक अनुवाद है शिखरहीन पोशाक। कॉल मनी, जिसका शाब्दिक अनुवाद है मंगनी का रुपया। इनफॉर्मल विजिट, जिसका मशीनी अनुवाद है गैर रस्मी मुलाकात। फ्लावरी लैंग्वेज, जिसका मशीनी अनुवाद है मुस्कुराती हुई भाषा। लेकिन क्या ये सही है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा, इसके लिए हमें वहां के कल्चर को समझना पड़ेगा, अपने जनरल नॉलेज को अपडेट रखना पड़ेगा कि 20th सेंचुरी फॉक्स का अनुवाद नहीं करना है, वो एक विदेशी फिल्म कंपनी का नाम है। टॉपलेस ड्रेस किसी शिखरहीन पोशाक को नहीं बल्कि नग्न वृक्ष को कहते हैं। कॉल मनी मंगनी का रुपया नहीं है बल्कि शीघ्रावधि की राशि है। फ्लावरी लैंग्वेज मुस्कुराती हुई भाषा नहीं बल्कि सजीली भाषा या औपचारिक भाषा कहलाती है। तो जब तक हम इन चीजों को समझेंगे नहीं, जब तक भाषा पे हमारी पकड़ नहीं होगी, जब तक किसी देश की संस्कृति की हमें समझ नहीं होगी, तब तक हम अनुवाद सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें भाषा पे अपनी पकड़ बनानी चाहिए। जितनी शब्दावलियां हैं, जो वोकेबुलरीज हैं, उस पर हमें पकड़ बनानी चाहिए। किस भाषा, किस कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो एज इट इज यूज किए जाते हैं हिंदी अखबारों में, हिंदी समाचार पत्रों में, कौन कौन से उर्दू के ऐसे शब्द हैं जो एज इट इज यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल में लाए जाते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी रखनी होगी। और मैं फिर से दोहराता हूँ कि अगर हम मल्टीलिंगुअल बनेंगे, अगर हम हिंदी को भी पढ़ेंगे, संस्कृत को भी पढ़ेंगे, अंग्रेजी भाषा को भी समझेंगे जानेंगे, अपनी उड़िया जो हमारी लोकल लैंग्वेज है उसको भी समझेंगे जानेंगे, और भी कोई एक भाषा जो विदेशी भाषा है उसको समझेंगे जानेंगे, तो हम एक अच्छे पत्रकार बन पाएंगे, एक अच्छे अनुवादक बन पाएंगे। इसके लिए हमें अपडेट रहना पड़ेगा सारी चीजों से, हमें साहित्य से अपडेट रहना पड़ेगा, हमें ग्रामर से अपडेट रहना पड़ेगा, हमें उसकी भाषा के लहजे से अपडेट रहना पड़ेगा, और हमें उस देश की संस्कृति से अपडेट रहना पड़ेगा। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। जो चीजें समझ में आई हैं वो बताइए, जो चीजें वो भी बताइए। अभिषेक सर, कैसा जी, अमन बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर। इसी के साथ रहा? जी विद्यार्थियों का कुछ प्रश्न है तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा, या तो चैट बॉक्स के माध्यम से लिख करके, या अगर चैट बॉक्स में उन्हें लिखने में कोई दिक्कत आ रही हो तो अपने माइक को अनम्यूट करके भी अपने प्रश्न सीधे तौर पर अमन सर के समक्ष रख सकते हैं। हाँ, एक प्रश्न एक विद्यार्थी ने अभी पूछा है, मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ अमन। वो लिखते हैं कि लोगों की सोच बदलेगी तो खबर अच्छा। उन्होंने पहले जो चीज पूछा था तुमने उसमें से कहा था कि इस पर बाद में बात करते हैं, लोगों की सोच उसी को। बदलेगी तो खबर बदलेगी, जबकि अच्छी खबर का दायित्व भी है लोगों की सोच को बदलना। क्या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? जी बिल्कुल आशीष, आपने बड़ा प्रासंगिक सवाल रखा है, बड़ा मौजू सवाल रखा है इस पटल पर, कि हमारे जो पॉजिटिव न्यूज होते हैं उन उसका दायित्व तो होता है लोगों की सोच को बदलना। लेकिन आशीष, हमारी समाज में डाइवर्सिटी है, भारत की जो सोसाइटी है, भारत का जो शिक्षा स्तर है, भारत के लोगों का जो समझने का स्तर है, सब में डाइवर्सिटी है, भिन्नताएं हैं। आपका शिक्षा का स्तर है कि आप एमए स्टूडेंट हैं, आप पत्रकारिता पढ़ रहे हैं, आपको सामाजिक जो हमारा ढांचा है उसकी समझ है, हमारी सोसाइटी की समझ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 10वीं कक्षा तक पढ़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी पढ़ाई लिखाई सिर्फ सर्टिफिकेट पे हो पाई है। उनका सामाजिक, उनके जो समझने का स्तर है वो उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है जहां पर वो चीजों को सही या गलत के दृष्टिकोण से देखेंगे। वो चीजों को अपने समझ के हिसाब से देखते हैं, अपनी सोच के हिसाब से देखते हैं, अपने व्यू के हिसाब से देखते हैं। आप अगर सोसाइटी को देख रहे हैं तो आप पत्रकार के दृष्टि से देख रहे हैं, आपकी दृष्टि कितनी सूक्ष्म है, कितनी तीक्ष्ण है, लेकिन ये दृष्टि सबके पास तो नहीं है ना। ये हमारी सोच में डाइवर्सिटी है, हमारी परवरिश में भिन्नताएं हैं, सबकी परवरिश अलग अलग हिसाब से हुई है, तो उस हिसाब से सबकी अलग अलग सोच है, सबकी अलग अलग दृष्टि है, सबको अलग अलग तरीके का समाचार पसंद आता है। आप अगर डिबेट देखते होंगे तो आपके एक कोई फेवरेट पत्रकार होंगे, वो कोई भी हो सकते हैं आपकी विचारधारा के हिसाब से। अगर आपको, आप न्यूज देख रहे हैं तो आप अपने पसंद की न्यूज को देखते होंगे, किसी भी तरीके का आप वो अपने विचारधारा से, अपने पसंद से वो देखते हैं। तो ऐसे में लोगों की भी पसंद मायने रखती है। जो लोग पसंद करते हैं समाचार पत्र उसको छापते हैं, या फिर समाचार पत्र जिसको जिसको प्रमुखता से जगह देता है उसको लोग पढ़ते हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बिल्कुल पूरक हैं। समाचार पत्रों को भी कोशिश करती रहनी चाहिए कि सकारात्मक खबरों को प्रथम पेज पे स्थान दें, जो अच्छी खबरें हैं उनको स्थान दें। बाकी ये चीजें तो एक्सपेक्टेड है, सकारात्मक चीजें तो एक्सपेक्टेड होती हैं, चीजें अच्छी अच्छी होती रहे तो वो एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन जब चीजें नकारात्मक होती हैं तो हम थोड़ा सा देखिए, अगर आप नॉर्मल हैं, अगर आप स्वस्थ हैं, तो आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही कुछ ऐसी समस्या आती है जिससे आपको परेशानी होती है, जब कोई नकारात्मक चीज होती है, तब हम उस पर ध्यान देते हैं। अगर हमारे घर में किसी की शादी होती है या किसी का मुंडन होता है, कोई शुभ काम होता है, तो हम नहीं कोशिश करते हैं कि
उसको खबर, उस खबर को अखबार में जगह मिले। अगर कोई शुभ काम होता है, कोई सकारात्मक चीजें होती हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम नौकरी पाते हैं तो हम नहीं चाहते हैं कि उन सारी चीजों को अखबार में खबर मिले, इन सारी चीजों को हम गुप्त रखना चाहते हैं या बहुत सारे लोगों तक तो नहीं पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि अगर हमको नौकरी मिली है तो एक बहुत बड़ा वर्ग इससे प्रभावित नहीं होगा, हमारे परिवार के लिए खुशी की बात हो सकती है। हाँ, लेकिन अगर किसी एग्जाम में हम टॉप करते हैं, जैसे यूपीएससी के एग्जाम में हम टॉप करते हैं, AIEEE के एग्जाम में हम टॉप करते हैं, तो ये एक बड़ी खबर बन सकती है सकारात्मक रूप में लोगों को प्रेरणा देने के लिए। लेकिन जब नकारात्मक खबरें होती हैं, जैसे मेरे घर में चोरी हो जाती है, मेरे साथ अगर कोई किसी रास्ते में लूटपाट हो जाता है, तो ये खबर को इसलिए जगह देना पड़ता है कि कल को ये घटना दूसरे के साथ नहीं हो, दूसरा आदमी अगर उस जगह से गुजरे या दूसरे आदमी के साथ इस तरह की समस्या आती है तो वो सतर्क रहे। तो इस तरीके से नकारात्मक और सकारात्मक का बैलेंस बनता चलता है, लोगों की सोच, लोगों के उसके हिसाब से, शैक्षणिक पृष्ठभूमि के हिसाब से लोगों की सोच बनती है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे जैसे हम चीजों को अच्छी तरीके से समझेंगे, जैसे जैसे हमारा दृष्टिकोण बदलेगा, व्यापक होगा, उसी हिसाब से समाचार पत्र में बदलाव आएगा। बहुत सारे ऐसे समाचार पत्र हैं जो सकारात्मक खबरों को भी जगह दे रहे हैं। ये पसंद, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने पसंद के हिसाब से कौन सा समाचार पत्र पढ़ रहे हैं और कौन से खबर को पहले पढ़ना पसंद करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में समाचार पत्र जाता है तो वो आखिरी के पेज से पलटते हैं, सबसे पहले वो बॉलीवुड की खबरों को पढ़ना चाहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो खेल पृष्ठ को पलटते हैं, वो सबसे पहले सचिन के बारे में, धोनी के बारे में या फिर विराट कोहली के बारे में जानना पसंद करते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो संपादकीय सबसे पहले पढ़ते हैं। तो जैसे जैसे, जैसी जैसी हमारी शिक्षा का स्तर है, जैसी जैसी हमारी सोच है, जैसी हमारी विचारधारा है, उस हिसाब के हम समाचार को तवज्जो देते हैं और उसको पढ़ते हैं। और समाचार पत्रों का भी ये दायित्व तो बनता है कि वो सकारात्मक खबरों को स्थान दे, और हमारा भी ये दायित्व तो बनता है कि हम एक ऐसे समाज समाज का निर्माण करें जिसमें सकारात्मक चीजें अधिक हो। आशीष, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। और भी हमारे जो साथी शुरू से बने हुए हैं, अगर आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप इनबॉक्स में मैसेज कीजिए, चैट बॉक्स में मैसेज छोड़िए, फिर उस पर बातचीत होगी। समय अगर बीतता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोगों के पास समय है तो हम दिन भर इस पर बैठ के बात कर सकते हैं, अगर आप लोगों को कोई दूसरा क्लास अटेंड नहीं करना है तो। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके से कोई बात, कोई फीडबैक देना हो क्लास को लेकर, अपनी किसी भी समस्या के बारे में कहना हो तो आप इस चैट बॉक्स में रख सकते हैं। विद्यार्थियों ने आपको धन्यवाद कहा है सर, बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों का, लगातार मैं पढ़ रहा हूँ। और इसके इतर विद्यार्थियों का कोई प्रश्न हो तो मैं विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा, क्योंकि समय भी लगातार होता जा रहा है, तो इस वजह से अगर चैट बॉक्स में लिखने में उन्हें कोई दिक्कत आ रही हो, अपने माइक को अनम्यूट करके भी अपने प्रश्न सीधे तौर पर अमन सर के समक्ष रखें। तो जी हाँ, विद्यार्थियों बिल्कुल, को मेरा अनुरोध है कि आप अपने प्रश्न रखें, अथवा हम इस क्लास को समेटते हुए आज की इस कक्षा को अंत करेंगे। अगर आपके पास कोई प्रश्न है या फिर कोई बात कुछ कहना चाहते हो आप अब आज की क्लास को लेकर, कोई आपके अंदर जिज्ञासा हो, कोई किसी भी तरीके की कोई सूचना पाना चाहते हो, तो कृपया चैट बॉक्स में मैसेज करें। और मुझे लगता है कि सबको चीजें समझ में आई हैं, हमारे साथ काफी अनुभवी लोग भी जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों से भी मुझे सीखने को मिलता है। हमारे पृथ्वीराज सर हैं, साकिर सर हैं, आप लोग की बातों से भी हमें सीखने को मिलेगा। अगर आप लोग फीडबैक देते हैं तो, अगर आप लोग किसी टॉपिक पे अगर क्लियर अपनी जानकारी देना चाहते हो तो मुझे भी सीखने को मिलेगा। द्विपक्षीय बातचीत हो, दुई तरफा बातचीत हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद साथियों आप लोगों का इस लंबे मैराथन लेक्चर में बने रहने के लिए, क्योंकि कई बार लेक्चर जो ऑफलाइन होता है वो मुश्किल से 40 से 50 मिनट या 1 घंटे का होता है, लेकिन आज ये 1.5 घंटे से लेकर 1.5 घंटे के लेक्चर में आप लोग बने रहे हमारे साथ, इसके लिए मैं आप लोगों का आभार। कोई मैसेज आया है अभिषेक सर? जी, एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि जी पत्रकारिता हाँ, का मूल मूल तत्व क्या पत्रकारिता होगा? का मूल तत्व तो क्या है? कविता पाल जी ने एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल किया है कि पत्रकारिता का मूल तत्व तो क्या है। कविता जी, अगर हम पत्रकार हैं तो हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम जिस क्षेत्र में जाके पत्रकारिता कर रहे हैं, चाहे वो हम फिल्म पत्रकारिता कर रहे हो या कोई राजनीतिक पत्रकारिता कर रहे हो या फिर किसी समस्या विशेष को लेकर पत्रकारिता कर रहे हो जिससे कितने लोग प्रभावित हुए हैं, उन सारी चीजों को लेकर हम सोसाइटी तक, पाठकों तक पहुंचाते हैं, ये पत्रकारिता के मूल तत्व तो हैं। पत्रकारिता का जो हमारे देश में पत्रकारिता की जो शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ लड़ने से लेकर हुई थी, और आज हमारे देश में
बहुत सारी आंतरिक समस्याएं हैं, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, हमारे समाज को लेकर, जो विभिन्नताएं हैं समाज में, भिन्नताएं हैं उसको लेकर, बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत अंतर है समाज में। एक वर्ग है जो बहुत एलिट क्लास का है, वहीं दूसरा वर्ग है जिसको भी आपने देखा होगा कोरोना के समय में पैदल पैदल लोग अपने घरों तक पहुंचे हैं। तो पत्रकारिता का मूल तत्व तो यही है कि इन सारे लोगों के दर्द को, आखिरी लोग जिसकी आवाज कोई नहीं है, जिन लोगों की आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है, जिन लोगों की आवाज को सीधा सत्ता तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है, ये हमारा काम बनता है कि हम उन लोगों से जाके बातचीत करें, उन लोगों की समस्याओं को समझें, और उसको विभिन्न माध्यमों से, जो जनसंचार के माध्यम है, समाचार पत्र हैं, रेडियो है, टेलीविजन है, या सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इन सारे माध्यमों से लोगों तक पहुंचाएं, सत्ता तक पहुंचाएं, व्यवस्था तक पहुंचाएं। ये पत्रकारिता के मूल तत्व हैं और हमारा कर्तव्य बनता है कि इन सारे तत्वों का, इन सारी चीजों का पालन करते हुए एक हम स्वस्थ पत्रकारिता करें। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद करते अमन हैं जी। बेहतर सवाल के लिए। कविता जी ने भी आपको धन्यवाद किया है। इसी के जी साथ अभिषेक साहब, समय भी होता जा रहा है, तो मैं आज की कक्षा यहीं पर समेटते हुए आज की कक्षा को यहाँ विराम दूंगा। और अमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने विश्वविद्यालय की ओर से, अपने विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, कि उन्होंने अपना बहुत समय धन्यवाद। निकाला, होम क्वारंटाइन में होते हुए उन्होंने अपना समय दिया और अच्छी तैयारी के साथ अपने समय दिया। इस वजह से अमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तबीयत में थोड़ी सी नासाजी थी, इस वजह से शुरू शुरू में मैं थोड़ा सा वो था, परेशान था, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों से बातचीत होती रही, जैसे जैसे आप लोगों से फीडबैक मिलता रहा, तो मेरे अंदर भी एनर्जी आती रही। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद, क्योंकि विद्यार्थियों के बिना कक्षा कोई पूर्ण नहीं होती है। हमारी तकनीकी सहयोगी मिनती मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि वो लगातार शुरुआत से लेकर अंत तक बनी हुई है। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी आज के व्याख्यान में सहभागिता की, आज के व्याख्यान को सुना। और अमन का विशेष का धन्यवाद कि मैं जब भी उससे समय मांगता हूँ वो अपना समय हमेशा मुझे देता है, इसलिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद अमन। आपका और भी बहुत शुक्रिया अभिषेक सर, और जितने भी हमारे साथी उपस्थित हैं, जितने भी हमारे छात्र उपस्थित थे, जो हमारे टेक्निकल सपोर्टर्स बैठे हुए हैं, उन सबका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अमन। इसी के साथ आज की कक्षा जी यहीं पे अभिषेक, समाप्त होती है। आप चाहें तो अपनी ओर से अपनी कॉल को एंड कर सकते हैं। विद्यार्थियों का पुनः एक बार बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नए दिन नए समय पे नए विषय के साथ और नए विशेष विषय विशेषज्ञ के साथ हम लोग वापस जुड़ेंगे, इस आशा के साथ। आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब पढ़े, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें, अपनों और अपनों का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।